हेलो एवरीवन, वेलकम टू इको गुरु इकोनॉमिक क्लासेज बाय सीला अहलावत। तो आज की इस वीडियो में हम मैराथन करने वाले हैं कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में जितना भी करवाया जाएगा उसमें से आपका जो 99% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसमें जितना भी अभी तक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उस सब की रिवीजन यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे अभी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को आप जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब की मैराथन जो है इस चैनल पर लेकर आई जाएगी। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो उस टाइम पर आप क्या करोगे, आपके हाथ में जो है पेन और कॉपी होना ज़रूरी होगा। तो आप अपना पेन कॉपी निकाल लीजिए और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर बताए जाए उन सबको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देख पा रहे होगे कि मैराथन ऑन कंप्लीट माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है? ये इम्पोर्टेंट होने वाला है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए। जो आरपीएससी का जो अब एग्ज़ाम जो निकला हुआ है उसके फर्स्ट ग्रेड का, उसके लिए DSSSB की जो PGT इकोनॉमिक्स के लिए, UPPGT इकोनॉमिक्स के लिए, चाहे यहाँ पर GIC का जो परी होता है उसके लिए, जहाँ पर भी ये एक तरीके से जो स्टेट लेवल के जो PGT लेवल की जो इकोनॉमिक्स है वो सारी की सारी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इस वीडियो से आपकी कवर हो जाएगी। चाहे आप KVS का एग्ज़ाम दो, चाहे NVS का या अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम है वो दो, किसके? इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स में भी क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप सभी जानते हो कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स को, यानी कि इंडिविजुअल्स की जहाँ पर बात की जाए तो वो क्या होगी आपकी? माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। उसके बाद आप देखिए, इसके अंदर आप ये देखते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ के साथ डील करता है। तो वो डील करता है यहाँ पर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद प्राइस, यानी कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होंगे, प्रोडक्शन किसका, सिंगल मार्केट का। खाली एक मार्केट की बात करो, एक फर्म की बात करो, किसी इंडिविजुअल की बात करो तो आप उस समय माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको क्या बताता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्मुलेट वेरियस टाइप ऑफ मॉडल्स बेस्ड ऑन ए लॉजिक एंड ऑब्जर्व्ड ह्यूमन बिहेवियर। देखिए, जो भी है कि बिल्कुल ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, लॉजिकल बेस्ड है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को बना दिया गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट हैं वो लॉजिकल हैं और उनको ऑब्जर्व किया गया है, यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करके ही माइक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया गया है। तो आगे चलिए, यानी कि जितना भी है जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो वो सारी बातें क्या होंगी, पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन क्या है। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर आप देखोगे इसका बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर क्या है कि इंसेंटिव्स एंड बिहेवियर्स, कि देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उस टाइम पर किस तरीके का व्यवहार करती हैं जो भी फर्म्स होती हैं, जो कंज्यूमर होगा। दूसरी बात है कि इसके अंदर यूटिलिटी थ्योरी की हम बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो प्रोडक्शन थ्योरी है उसकी बात करेंगे। ये सारी जो एक तरीके से प्रोडक्शन थ्योरी हो गई, प्राइस थ्योरी हो गई, तो ये प्राइस थ्योरी भी यहाँ पर आप ऐड कर लोगे, प्राइस थ्योरी, तो इन सब के बारे में आप जानोगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर ये बताती हूँ कि इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बताती हूँ और उससे भी ज़्यादा करवाया जाएगा, क्योंकि देखो कुछ टॉपिक जब करवाते तभी याद आते हैं। वैसे तो जितने भी मुझे अभी ध्यान है जो मैं आपको करवाऊँगी, सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे कि जो कि आपकी डिमांड थ्योरी है, या आप ये बोल सकते हो कि जो आपकी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, सबसे पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर में आप जो भी आपकी कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये सारी चीज़ों की आप यहाँ पर बात करने वाले हो। फिर इसी के अंदर क्या आ जाएगा, लॉ ऑफ डिमांड भी आ जाएगा,
इलास्टिसिटी भी आ जाएगी, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसके बारे में आप पढ़ लोगे। सारी ही एक कार्डिनल जब करोगे, एक कंज्यूमर सरप्लस के बारे में यहाँ पर स्टडी करोगे, एक कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हिक्स के बारे में पढ़ोगे, एक मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस, एक हिक्स का कंज्यूमर सरप्लस, इन सब के बारे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हों। उसके बाद आप देखिए इसके अंदर जो है पूरा कंप्लीट, जब मैंने कार्डिनल ऑर्डिनल की बात की तो ऑर्डिनल क्या है आपका, इंडिफरेंस कराओ, और आप सभी जानते हो कि इंडिफरेंस कराओ के बगैर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स कम्प्लीट होता ही नहीं है। तो अब उसके बाद आप देखोगे कि कोब डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बारे में पढ़ोगे, CES जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके बारे में पढ़ोगे, उसके बाद आप प्रॉपर जो प्रोडक्शन फंक्शन की जितनी भी आई शो क्वांट होगा उन थ्योरीज के बारे में पढ़ोगे, टेक्निकल प्रोग्रेस के बारे में पढ़ोगे, उसके बाद डिस एम्बोडिड और एम्बोडिड क्या है उसके बारे में पढ़ोगे। वैसे तो ये ग्रोथ का टॉपिक है लेकिन इसको मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही करवा दूंगी। कोस्ट थ्योरी क्या है, इनकी कोस्ट जितनी भी थ्योरी हैं उसके बारे में पढ़ोगे, और फिर जो मार्केट्स है यानी कि मार्केट जो स्ट्रक्चर है सारी जितनी भी, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, चाहे ओलिगोपोली के मॉडल, तो वो सभी यहाँ पर मैं आपको करवाने वाली हूँ। देखिए ये वीडियो डिटेल में रहेगी, ऐसे नहीं है कि देखिए यूट्यूब का जो फंडा ना, यूट्यूब पर अगर आप देखते हो यूट्यूब पर क्या होता है, यूट्यूब पर चीज़ें करवाई जाती हैं ईजी। ईजी का मतलब ये होता है कि जिनको देखकर आप खुश होते हो कि हाँ बहुत अच्छा करवाया जा रहा है, लेकिन जब आप उनको रियलिटी में आप ये देखते हो कि इसमें इसमें से क्या आया, तो पेपर में आप देखते हो कुछ नहीं आया, या फिर वो अपना जो भी कोर्स से सेल कर रहे होते हैं वहाँ से अगर आप परचेज करते हो तो थोड़ा बहुत सही रहता है, बट लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यूट्यूब पर नहीं ढंग से चीज़ें करवाई जाती, उसका क्या कारण है, उसका कारण भी स्टूडेंट्स ही हैं। देखिए स्टूडेंट्स जब कोई ढंग की वीडियो बनाई जाती है तो उसको देखना पसंद नहीं करते, ना उसको शेयर करते, ना उसको लाइक करते, फिर क्या होता, बनाने वाला डीमोटिवेट हो जाता और वो आगे वीडियो ही नहीं बनाता। तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि अगर आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप उस चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डिमांड के बारे में, यानी कि डिमांड क्या है। आप यहाँ पर कई चीज़ें जानोगे डिमांड के बारे में, आप सभी देखते हो ना कि डिमांड क्या होती है, आप बोलते हो कि मुझे AC चाहिए, मुझे मतलब BMW चाहिए, तो ये क्या बोलते हो कि डिमांड है, लेकिन डिमांड जो एक्चुअल में इकोनॉमिक्स के अंदर जो डिमांड होती है उसका क्या मेन मीनिंग है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए जो डिजायर होती है ना, जो आपकी इच्छा होती है उसको भी क्या बोलते हो, एक तरीके से डिमांड बोलते हो। वॉन्ट्स जो होती है उसको भी डिमांड बोलते हो, और डिमांड तो डिमांड होती ही है। इन तीनों में आप डिफरेंस देखोगे। जब हम बात करते हैं डिजायर की, तो डिजायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई पैसा नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपके पास मनी नहीं है। दूसरी बात है कि विलिंग टू पे, लेकिन आप यहाँ पर खर्च करना चाहते हो, पैसा नहीं है। जब देखो कोई मतलब ही नहीं बनता, जब आपके पास पैसा ही नहीं तो खर्च करना क्या चाहोगे, तो इसका मतलब ये होता है, डिजायर का मतलब ये होता है कि पैसा तो नहीं है आपकी पॉकेट में लेकिन आप उस चीज़ को खरीदना चाहते हो, उसको खर्च करना चाहते हो उस चीज़ के ऊपर, तो इसको बोलते हैं डिजायर। जब बात करते हैं वॉन्ट्स की, तो वॉन्ट्स के अंदर क्या होता है कि मनी तो है आपके पास पॉकेट में, पैसा तो है, लेकिन आपकी विलिंग टू पे नहीं है, उस चीज़ के ऊपर खर्च करना नहीं चाहते, वो वॉन्ट्स की ये मीनिंग होगा, ठीक है ना। तो ये आप ये ध्यान रखोगे यहाँ पर खर्च करना नहीं चाहते। जब डिमांड की बात करते हो तो कि आपके पास मनी भी है और आप उस वस्तु के ऊपर उस पैसे को खर्च करना भी चाहते हो, तो जब जाकर वो क्या बनेगी, आपकी डिमांड बनेगी। तो चलिए आगे चलते हैं कि कंसेप्ट ऑफ डिमांड क्या होता। जब हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड एक होता है डिमांड और एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड, एक होता है डिमांड एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। जब हम डिमांड की बात करते तो इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज दैट ए कंज्यूमर प्लान टू बाय एट ए वेरियस प्राइस ऑफ गुड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक दिए हुए टाइम पीरियड पर जब एक कंज्यूमर जो है अलग अलग प्राइस पर जो कमोडिटी की डिमांड करता है, अलग अलग क्वांटिटी की, इनकी ये प्राइस है ये क्वांटिटी है, जब प्राइस एक है दो है तीन है तो उसके हिसाब से ही वो क्या करता है, डिमांड करता है, यानी कि अलग अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड की जाती है, उसको बोलते हैं डिमांड। जब हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइस एक प्राइस पर आप जो भी डिमांड करते हो, यानी कि जो भी क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगी। तो डिमांड क्या होती है, द डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज कंज्यूमर डिजायर टू हैव इट फॉर विच ही इज विलिंग एंड एबल टू पे, यानी कि डिमांड वो होती है जिसके ऊपर कंज्यूमर खर्च करना चाहता है और उसके पास पॉकेट में क्या है, पैसा भी है।
अब चलिए बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। डिमांड फंक्शन क्या होता है, यानी कि डिमांड को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ये डिपेंड करती है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यानी कि जो एक्स वस्तु की जो ये डिमांड है, अगर यहाँ पर हम लिखें कि डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, ये किस किस का फंक्शन है, खुद के प्राइस का फंक्शन है, जो रिलेटिव गुड्स है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जबकि टेस्ट है उसके ऊपर डिपेंड करती है, जो कंज्यूमर की इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करती है, और जो एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर क्या है, जो एक वस्तु की मांग है वो डिपेंड करती है। लेकिन जब हम लाफ डिमांड निकालते हैं तो उसमें जो अदर जो ये फैक्टर्स होते हैं उनको हम कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब हम क्या निकालते हैं, जब डिमांड फंक्शन की हम बात करते हैं, सॉरी जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की जब बात करते हैं मांग के नियम की, तो ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाती हैं। सिर्फ एक उसी वस्तु के प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड में जो चेंज होता है वो लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। और आप सभी जानते हैं उसका कैसा रिलेशन होता, इनवर्स रिलेशन होता, नेगेटिव रिलेशन होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जो क्या दिखाता है कि इफ़ अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, कि अदर बातें जो है ना कॉन्स्टेंट रहें। अदर बातें क्या है कि डिमांड ऑफ एक्स जो है वो फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटिव गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना स्थिर रहें। सिर्फ उसी वस्तु के प्राइस में जो चेंज आए, उसके प्राइस में चेंज आने से जो उसकी डिमांड में चेंज आएगा वो क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। यानी कि इन प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी, तो इनका कैसा रिलेशन, नेगेटिव या इनवर्स जिसको आप बोलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए कि दो तरीके की डिमांड होती है, एक होती है खाली डिमांड, एक होती है ड्राई डिमांड। ड्राई डिमांड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड किसी और चीज़ के कारण से इनक्रीज हो, जैसे मान लेते हैं कोई भी चीज़ है, कोई भी ऐसा कपड़ा, कोई भी ऐसा क्लोथ है जिसकी डिमांड इंक्रीज हो जाए, उस तरीके का डिमांड है ना, इस तरीके कोई भी एक मान लिया जाए कि मार्केट में ऐसा कपड़ा आया जिसकी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करें, अब इसको जो बनाने वाली लेबर है इसकी डिमांड इंक्रीज होने के कारण से इसके जो फैक्टर हैं, यानी कि जो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जो इसको बनाने वाली जो लेबर है या मशीनें हैं, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्ट इनकी डिमांड इंक्रीज नहीं हुई फैक्टर की, ये इनडायरेक्ट रूप में पहले इस वस्तु की डिमांड बढ़ी है, फिर उसके कारण से उसके फैक्टर की डिमांड इंक्रीज हुई है। फिर हम बात करते हैं कि मोमेंट्स एंड शिफ्ट इन डिमांड। ये क्वेश्चन एक भी ऐसा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रही जो आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा कि सारे पॉइंट ही नोट डाउन करने के। एक होता मोमेंट और एक होता शिफ्ट, मोमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि मोमेंट और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए जब आप बात करते हो मोमेंट्स की और फिर बात करते हो शिफ्ट की, तो इसका मतलब होता है कि आप सेम ही डायग्राम पर, यानी कि डिमांड करो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे शिफ्ट में आपका डिमांड करो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मोमेंट्स इनके अलोंग द डिमांड करो, और इसका मतलब क्या, शिफ्ट इन डिमांड। तो इसके अंदर दो चीज़ें आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो एक्सटेंशन और एक आप पढ़ते हो कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन यानी कि जो संकुचन होगा और जो विस्तार होगा उसकी हम बात करें, यहाँ पर क्या होता है, एक इंक्रीज की बात करते हो और दूसरा शब्द होता है डिक्रीज, इन दो चीज़ों की बात करते हो। तो इसमें एक्सटेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें इंक्रीज होता है, इसमें डिक्रीज होता है, जब शिफ्ट की बात करते हो। तो ये आपसे पूछा जाता है कि मोमेंट्स और शिफ्ट में क्या डिफरेंस है, इसका एक्सटेंशन यानी कि डिमांड में विस्तार, डिमांड में संकुचन, डिमांड में वृद्धि, डिमांड में कमी। तो अब देख लेते हैं इसके एक तरीके से, इसको एक्सप्लेनेशन क्या है। जब हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, यानी कि मांग में विस्तार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है विस्तार की हम बात करें कि प्राइस पहले ये था, प्राइस एक्स वस्तु की डिमांड ये थी, प्राइस के घटने से एक्स वस्तु की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई, इनकी पी से पी वन। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ए से बी पॉइंट पर आ गए, तो प्राइस के घटने से जो डिमांड बढ़े उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन की, यानी कि जिसको हम बोलते संकुचन, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि पहले प्राइस ये था और डिमांड ये थी, अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण से उसकी डिमांड घट गई है।
तो प्राइस की इंक्रीज होने से जब डिमांड डिक्रीज हुई तो बी से आप वापस ए पर चले गए, तो ये होगा आपकी जो मांग है उसमें संकुचन। इसके बाद आप देखिए वृद्धि यानी कि इंक्रीज, और उसके बाद देखिए कमी यानी कि डिक्रीज। अब वृद्धि और कमी की जब आप बात करते हो इसका मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब होता है जब डिमांड कराओ आपका डी से D1 पर शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद आप देखोगे जब कमी की बात करते हो ये तो इंक्रीज हो गया, जब आपका डिमांड करो डी से D1 पर आ जाए कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो डिमांड इंक्रीज ड्यू टू अदर फैक्टर्स बट इट्स प्राइस रिमेन सेम। देखिए जब जहाँ पर आपके प्राइस सेम रहते हुए, प्राइस सेम, अभी आपने डिमांड ऑफ एक्स यानी कि जो इसका फंक्शन पढ़ा ना कि प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, ये अदर फैक्टर चेंज हो गए, ये इसके फेवर में चेंज हुए, इसलिए दिए हुए प्राइस पर भी हम इस कमोडिटी की पहले इतनी डिमांड करते थे अब डिमांड करते इतनी। दूसरा यही है कि पहले हम इतनी डिमांड करते थे अब इसकी डिमांड को घटा दिया गया। हो सकता है कि जब रिलेटिव गुड्स यानी कि ये अब इसके कंपेयर में ये क्या हो गई हो, सस्ती हो गई होगी, सस्ती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सॉरी महंगी हो गई होगी, सस्ती नहीं, जब ये वस्तु की तो इस डिमांड की जो एक्स वस्तु की डिमांड, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसके कंपेयर में आपकी इनकम बढ़ गई हो, आप इसको ज़्यादा पसंद करने लग गए हो, सकता है कि आपने ये एक्सपेक्टेशन लगा ली हो कि आने वाले समय में ये चीज़ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी होगी, तो अभी आपने इसकी डिमांड बढ़ा दी हो। इसके अपोजिट जो जो मैंने यहाँ पर बोला इसका अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं, एक सेकेंड, देखिए फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है जो कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। फर्स्ट है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट, घटती जो सीमांत उपयोगिता उसके कारण से डाउनवर्ड स्लोप होता है। उसके बाद होता है इनकम इफेक्ट के कारण से, उसके बाद है ये एक तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, ये आगे पढ़ोगे अभी बताऊंगी क्या होता है। इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर इसके बाद फोर्थ है कि एंट्री हो जाए नए कंज्यूमर के, न्यू कंज्यूमर के, और उसके बाद आप देखोगे जो फिफ्थ है वो है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो कारण हैं जिनके कारण से जो डिमांड करा हो वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। देखिए अगर आप इन चीज़ों को डिटेल से जानना चाहते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी के ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, वहां से आप इनको डिटेल में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, देखिए छोड़ना तो मुझे कुछ भी नहीं है आपके यहाँ पर, बट लेकिन इतना भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा कुछ ही घंटों में कवर करवा दूँ, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए डिटेल में आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए, आपने देख लिया कि ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। अब देखिए सेकंड हम करने वाले हैं, डिमांड के बारे में आपने पढ़ लिया, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी के बारे में, और आप कर क्या रहे हो, ये कर रहे हो आप एक तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल यूटिलिटी को आप सभी जानते हो, जहां पर हम यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 में मेजर कर सकें, कि जहाँ पर नंबर में हम यूटिलिटी को मेजर कर सके उसको बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। तो चलिए आगे इसके बारे में हम बात करते हैं कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जो यूटिलिटी है उसका मेन मीनिंग क्या है। यूटिलिटी जो होती है इसका मतलब होता है ये सेटिस्फाई करती है, मीन सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ए गुड। जब आप एक वस्तु को कंज्यूम करते हो उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी आल्सो कॉल्ड वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि कितनी शक्ति है उसको आपको संतुष्ट करने की, यानी कि उस वस्तु में कितनी पावर है जो आपको संतुष्ट कर पाएगी। सबसे पहले जो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो दिया था, फर्स्ट जो है वो दिया था बेंथम ने 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 18th जो सेंचुरी है। और उसके बाद आप देखोगे मार्शल के अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी इज एक्चुअली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि जो मार्शल कहता है कि यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे किसमें, मनी की टर्म में,
यूटिलिटी क्या है यहाँ पर, जब आप यूटिलिटी एनालाइज कर रहे हो, कार्डिनल यूटिलिटी जो कर रहे हो वहाँ पर आप देख रहे हो कि जो यूटिलिटी को हम मेजर करेंगे वो किस में करेंगे, मनी की फॉर्म में करेंगे। सेकंड क्या है कि जो यूटिलिटी है ना वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, देखिए आपके पास दो चीज़ें, एक आप चाय पी रहे हो, दूसरा आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। ये चाय पीने से कोल्ड ड्रिंक की यूटिलिटी प्रभावित नहीं होगी, कोल्ड ड्रिंक की पीने से चाय की यूटिलिटी प्रभावित नहीं होगी, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद आप देखोगे जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या है, एक सेकेंड रुकिए, देखिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यानी कि यूटिलिटी के चैप्टर में क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, अब इसके अंदर आप क्या समझते हो, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है आपको, ये बताता है सिंपल। अगर आप इसका मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है जब आपके पास किसी चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी ना तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो आपकी डिक्रीज करेगी। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी तो जैसे जैसे यूनिट आपके पास ज़्यादा आती जाएंगी वैसे वैसे उनसे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी घटती चली जाएगी। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि जो टोटल यूटिलिटी है ना वो इंक्रीज, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको गोसेन का फर्स्ट नियम कहा गया। पहले तो आप ये याद ध्यान रखोगे कि इसको क्या बोला गया, गोसेन का फर्स्ट नियम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। उसके बाद आप देखोगे इसको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बता दिया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट ए डिक्रीजिंग रेट, यानी कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो करेगी बट डिक्रीजिंग रेट से। वो किस तरीके से करेगी, ये आपकी टोटल यूटिलिटी है करो, ये यहाँ पर जाकर मैक्सिमम हो जाता है। टोटल यूटिलिटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। ये आप सभी जानते होंगे कि जो टोटल यूटिलिटी होती है उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता है। देखिए यहाँ पर क्वांटिटी है और यहाँ पर आपकी टोटल यूटिलिटी, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मान लीजिए कि आपने एक कोई भी कमोडिटी यूज की, उससे मिलने वाली यूटिलिटी 12 है, सेकंड की इन दोनों को मिलाकर मिलने वाली 22 है। अब देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऊपर तो घटाने के लिए कुछ है नहीं, तो ये 12 रहेगी, 22 में से अगर 12 माइनस करोगे तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, लगभग 10 हो जाएगी। तो इनका, इसका जो डिफरेंस होगा ना टोटल यूटिलिटी का, वो क्या कहलाएगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। तो जो ये इंक्रीज कर रही है ना, देखिए 12 से अगर 24 होता तो ये होता कॉन्स्टेंट रेट, अगर 24 से ज़्यादा होता तो ये होता इंक्रीजिंग रेट, लेकिन ये डबल से कम है तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है वो करती है डिक्रीजिंग रेट से। अब देखिए यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही होती है तो उस टाइम पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगी, वहाँ पर जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो जाएगी। जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखोगे, तो ये जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगी। वो आपको ये बोलते हैं कि जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आप कई बार ये भूल जाते हो कि ये डाउनवर्ड स्लोप तो है, ठीक है ना, बट लेकिन क्या पॉजिटिव है, इसके बाद ही तो नेगेटिव होते हैं, लेकिन क्या कहोगे आप, डिक्रीज तो होती है बट क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। जब ये मैक्सिमम होती है तो ये क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। जब ये डिक्रीज करना शुरू कर देती है तो ये क्या हो जाती है, एक तरीके से नेगेटिव हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सेकेंड इसी का जो नियम है यूटिलिटी के अंदर वो क्या है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है इसका क्या मतलब होता है कि जो आप लास्ट रुपया खर्च करते हो, जो भी आप लास्ट रुपया खर्च करते हो, तो क्या है, मान लेते कि यहाँ पर तो एक वस्तु की बात हो रही थी, यहाँ पर मान लेते कि दो वस्तुएं हैं, कोई एक कमोडिटी है ये, कोई कमोडिटी दो है, इसके ऊपर आपके पास जो 10 रुपये, 10 रुपये से मान लेते कि इसके ऊपर आपने 4 रुपये खर्च किए, इसके ऊपर आपने 6 रुपये खर्च किए,
इसका जो चौथा रुपया यानी कि जो फोर्थ रुपीज जो खर्च किया इसके ऊपर जो सिक्स, इससे मिलने वाली यूटिलिटी और इस रुपये से मिलने वाली यूटिलिटी आपकी सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर इससे पाँच मिलती तो इस छठे रुपये से इसमें से भी पाँच ही मिलनी चाहिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपको ये बताता है। इसको गोसेन का सेकेंड नियम हम बोलते हैं, इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नियम से भी जानते हैं, इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको गोसेन का सेकेंड लॉ बोलते हैं, यानी कि सेकेंड जो लॉ है इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के नियम से जानते हैं। जो तीसरा है इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, इन नामों से इसको जाना जाता है। और जो लॉर्ड रॉबिन्स हैं उन्होंने इसको लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स कहा है। उसके बाद आप चलिए कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी का तो आपने देख लिया कि क्या फार्मूला होता है, कि जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा, आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि स्कीप हो गई हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आपसे सिंपल यूटिलिटी में पूछेगा ना, यूटिलिटी का जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें एक तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो यूटिलिटी वाला क्वेश्चन है वो भी किसका, कार्डिनल का, ये ध्यान रखिए। फर्स्ट इसके अंदर क्या है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना वो कॉन्स्टेंट रहती है, ये बिल्कुल भूलोगे नहीं आप। दूसरा क्या है, ये कार्डिनल बेस्ड है। कार्डिनल का क्या मतलब है, यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 में मेजर किया जाता है। उसके बाद देखोगे ये नॉर्मल गुड्स के ऊपर यानी कि बेस्ड है, इनकी जो कार्डिनल यूटिलिटी है सिर्फ वहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात की जाती है, गिफिन गुड्स होगी, इन्फीरियर गुड्स होगी, उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। उसके बाद आपने देख लिया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कार्डिनल है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर बेस्ड है, और आपने ये तो देख ही लिया कि जो भी ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है इस चीज़ के बारे में। तो जो सेकंड है, अभी आपने यूटिलिटी में दो नियम पढ़े हैं, एक आपने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, दूसरा आपने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। अब इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का मैं आपको फॉर्मूला बताती, ये सिंपल है, ये ध्यान रखोगे आप। अब देखिए जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है इसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जो अगर यहाँ पर क्या होगा कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वेरे कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, कहाँ पर मैक्सिमम होगी यूटिलिटी, जब एक से ज़्यादा वस्तुएँ हों, तो वहाँ पर क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स प्राइज ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई प्राइज ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये फॉर्मूले आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं इनडिफरेंस कर्व की। इनडिफरेंस कर्व क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व, यहाँ से आप इसको कुछ भी स्किप नहीं करोगे। इनडिफरेंस कर्व किसके ऊपर बेस्ड है, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ऑर्डिनल का मतलब है यहाँ पर हम रैंक्ड बेस्ड है, इसको आप ये नहीं बता सकते कि मुझे, मैंने अगर चाय को पिया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी 15, मैंने अगर कोल्ड ड्रिंक को पिया तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी मान लिया कि 18 है, नहीं। यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि कोल्ड ड्रिंक मुझे ज़्यादा पसंद है बजाय कि चाय, और चाय से मुझे कम पसंद है मान लिया जाए कि दूध, क्योंकि आजकल बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते, फिर उसके नंबर चाय होता, फिर दूध होता। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक क्या कर सकते हो, रैंक बता सकते हो। तो ऑर्डिनल का क्या मतलब है कि जो कि सिर्फ आप क्या बता सको कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है इसके बजाय, यहाँ पर आप ये नहीं, नंबर में नहीं बता सकते मुझे किससे कितनी यूटिलिटी मिली। तो जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है उसके बारे में आपने देख लिया कि ऑर्डिनल जो यूटिलिटी है उसका मीनिंग क्या है। उसके बाद आप देखिए सबसे पहले जो इनडिफरेंस कराव है, आपने देख लिया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी बेस्ड है, तो यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन कर सकते हो किससे मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलती है। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था एजवर्थ ने, यहाँ पर आपको ये क्या बताता है, ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता जो इंडिफरेंस करो होता है। ये दो इकोनॉमिस्ट आगे जिनको जिन्होंने इसको एक तरीके से अच्छे से डेवलप किया, हिक्स और एलन। ठीक है, यह ध्यान रखोगे। उसके बाद जो है हिक्स की बुक 1939 में आई, जो बुक है वैल्यू एंड कैपिटल,
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये ध्यान रखोगे आप कि किसने इसको सबसे पहले दिया, एजवर्थ ने 1881 में, लेकिन ये पूछा जाता है इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड कौन है, हिक्स और एलन। हिक्स और एलन यानी कि हिक्स की जो बुक का नाम क्या है, वैल्यू एंड कैपिटल। उसके बाद देखिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके का होता है। अगर आप इसको देखोगे इंडिफरेंस कर्व को, तो इंडिफरेंस कर्व राउंड शेप का होता है। ये यहाँ पर डिटेल में तो नहीं करवाया जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इसका जो ये हिस्सा है ना, सिर्फ ये जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इसको ही सिर्फ हम इंडिफरेंस कर्व मानते हैं। यहाँ पर भी जो वस्तु होती है गुड होती है, गुड का मतलब अच्छी, यहाँ पर भी गुड होती है, लेकिन एक लिमिट के बाद, इस लिमिट के बाद यही वस्तु बैड में कन्वर्ट हो जाती है। इसके इधर देखोगे तो ये भी बैड ही होगी, और अगर आप इसके सामने देखोगे तो ये गुड होगी। इस लाइन को अगर क्रॉस करते तो ये बैड हो जाएगी, और इसके सामने जो है ये भी बैड है। देखिए ये भी क्या है, बैड है। तो आप देखते होंगे हमेशा जो है, जो वस्तुएं होती हैं इंडिफरेंस कर्व में वो कैसी होती है, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। देखो कोई भी वस्तु बैड नहीं होती, कोई भी वस्तु गुड नहीं होती, एक लिमिट तक वो अच्छी होती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बैड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सिर्फ इंडिफरेंस कर्व का यही पार्ट हम क्या लेते हैं, इंडिफरेंस कर्व की फॉर्म में लेते हैं। तो आप सभी जानते हो कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। यहाँ पर ये एक्स कमोडिटी होती है, यहाँ पर कोई वाई कमोडिटी होती है, और ये क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजन होता है, यानी कि ओ एक्स की तरफ झुका हुआ होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजन, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या लेफ्ट टू राइट है, कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अभी बताऊंगी आप आगे आगे, इसको एक बार थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए इसके ऊपर जो यूटिलिटी होती है ना, इसके ऊपर जो यूटिलिटी होती है, वो जो यूटिलिटी होती है वो सेम होती है हर पॉइंट पर। यूटिलिटी क्या रहेगी आपकी, सेटिस्फेक्शन जो होगी सेम होगी, चाहिए ए पॉइंट आप चूज करो, यानी कि इतना वाई लो इतना एक्स, चाहे फिर इतना एक्स लीजिए चाहे इतना वाई लीजिए, चाहे फिर एक्स इतना हो जाए चाहे वाई हो जाए, इतना हो जाए वाई वन वाई टू। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे ए कॉम्बिनेशन है चाहे बी कॉम्बिनेशन है चाहे सी कॉम्बिनेशन, इसके हर ए बी सी जो कॉम्बिनेशन है उन पर जो यूटिलिटी है वो ऑक्सीजन सेम रहेगी। अगर ए पर 20 मिलती है तो 20 को देखिए यहाँ पर इसमें नंबर में तो नहीं दिखा सकते हम, जितना यहाँ पर उसको मिलती है इतना यहाँ पर मिलेगी, इतना यहाँ पर मिलेगी। तो ये ध्यान रखिएगा आप इंडिफरेंस कर्व के बारे में। उसके बाद आप देखिए, ये आपने देख लिया किसके उसमें ये दो गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिविटी पाई जाती है इसके अंदर, जिसको सहकर्मक बोलते हैं आप, ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है कि यदि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो जब ए बी से ज़्यादा है तो ए सी से भी ज़्यादा होगा, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद देखोगे इसके अंदर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि ए ग्रेटर देन बी है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में और कंसिस्टेंट यानी कि संगत जिसको आप बोलते हो, इन सब के बारे में आपने देख लिया। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस्ड है, आपने इसके बारे में चीज़ें देख ली, डायग्राम आपने बनाकर देख लिया है, और देख लिया कि आपने जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो किस तरीके का होता, चूड़ीदार होता है। अब हम इस इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बारे में जान लेते हैं, जिसका जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है। हाँ, इससे पहले आप देखिए जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका एक इंडिफरेंस, आप जानते हैं कि इंडिफरेंस मैप भी होता है। इंडिफरेंस मैप का क्या मतलब होता है, जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व होते हैं, IC1 हो गया, IC2 हो गया, इस तरीके से ना, तो इनमें एक जैसा गैप होना कंपलसरी होता है कि जितना ये यहाँ से दूरी पर इतना ही ये यहाँ से दूरी पर, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है, इंडिफरेंस मैप का मतलब होता है कि जब जो है अलग बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हों जब एक ग्राफ में, तो उसको इंडिफरेंस मैप भी बोलते हैं। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता है उतनी जो यूटिलिटी होती है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। हायर द इंडिफरेंस कर्व शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व है नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होने की जरूरत नहीं है। और जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को कट भी नहीं करते, मैं आगे बताऊंगी आपको क्या इसकी प्रॉपर्टीज में। अब देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो MRxy होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई, ये जो एक तरीके से मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है किसमें, एक्स और वाई में। मार्जिनल का क्या मतलब होता, सीमांत
रेडियन की किस रेट से एक्स को जो वाई है वाई को एक्स में चेंज किया जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो है ना स्लोप है किसका, इंडिफरेंस कराओगा, ये किसका स्लोप है, इंडिफरेंस कराओगा। देखिए स्लोप और एक होता है, स्लोप होता है और एक इलास्टिसिटी होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो स्लोप होता है इनकी ढलान जो चेंज को दिखाता है, स्टीपनेस फ्लैटनेस को। देखिए जो दीवार होती है ना बिल्कुल ऐसे खड़ी होती है ना, तो उसका जो स्लोप है ना वो इन्फिनिटी होता है। जो आप फर्श जो फ्लोर देखते हो, कोई भी मेज़ अगर आप देखते हो, तो जो टेबल देखते हो आप देखते हो ना बिल्कुल ऐसी होती है, फ्लैट होती है, तो उसका स्लोप जीरो होता है। तो ये स्टीपनेस फ्लैटनेस की बात करते हैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो है कर्व का जो है वो है एम आर एस एक्स वाई, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। ये स्लोप होगा इंडिफरेंस करव का। अब इसको हम ड्राइव करते हैं कि जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करव किसके बराबर होता है, ये जो निकल कर आता है, ये जो होता है अगर आप इसको निकालोगे तो ये होता है माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। तो हमें ये निकालना कि ये किस तरीके से आया। तो देखिए टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी जो होती है वो दो वस्तुओं से मिलकर बनती है, एक तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, क्योंकि अब आपने देखा कि दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स होती है ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होती है। उसके बाद देखिए दोनों से दोनों के अगर हम जोड़ कर दें तो टोटल यूटिलिटी निकल कर आ जाएगी। तो देखिए जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है, अभी आप देखिए ये इंडिफरेंस करो, इसकी जो टोटल यूटिलिटी आपको यहाँ पर जो ए पॉइंट से बी पर गई या बी से सी पर गई, तो जो टोटल यूटिलिटी है उसमें चेंज इतना ज़्यादा नहीं होता। तो जो टोटल यूटिलिटी है वो मार्जिनल तो खुद में ही चेंज होता है, इसलिए इसके आगे चेंज नहीं लगाया जाएगा, एक्स में चेंज होगा। दूसरा देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन वाई इस तरीके से होगा। उसके बाद आप देखोगे चेंज इन टोटल यूटिलिटी की जगह आप जीरो रख लोगे, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में चेंज नहीं होता, वो लगभग नामात्र होता। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन एक्स प्लस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन वाई। ये सारी डेरिवेशन आप ध्यान रखोगे। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ तक ये इक्वेशन आ गई है, उसके बाद हम इसको लेकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो वाई है यानी कि जो चेंज इन वाई है, उसको हम क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे। इसलिए पहले क्या था, पहले ये निकल कर आई थी ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन एक्स प्लस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ चेंज इन वाई। ये कोई एक्स कमोडिटी है, कोई वाई कमोडिटी है। यहाँ पर आप इसके यहाँ पर पैरों में लिख सकते हो कि ये एक्स की है और ये वाई की है। अब देखिए यहाँ पर तो ये जीरो आ गया, अब हम क्या करते हैं वाई को इस साइड ले आते हैं। वाई को हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये इस साइड आकर हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई यानी कि चेंज इन वाई। इस साइड ये माइनस का हो जाएगा, इस साइड क्या रहेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी कि चेंज इन एक्स। ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसको हम इस साइड ले जाएंगे और इसको हम इस साइड ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। उस साइड जाकर हो जाएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, और इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो जो किसके बराबर होता है, ये जो होता इसको हम बोलते हैं कि जो ये निकल कर आया कि एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, इसको बोलते स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है, क्वेश्चन में हो सकता है कि वो आपको ये निकालना पूछ ले, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दे रखी हो, इसकी वैल्यू दे रखी हो, या फिर इसमें क्या करेगा वो आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी हो, चेंज इन वाई निकालना पूछे, कुछ भी आपसे वो पूछ सकता है। तो ये या इक्वेशन में ही पूछ ले कि मतलब बताओ कौन सी इक्वेशन ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी जो लास्ट में बनेगी वो सही रहेगी। अब उसके बाद आप देखिए, आपने देख लिया कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो जो इंडिफरेंस का होता है वो कैसा होता, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता। अभी आपने देखा है कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, इसलिए जो एम आर एस एक्स वाई होता है, एम आर एस एक्स वाई
वो होता है डिक्रीजिंग। ये ध्यान रखिए, डिक्रीजिंग का यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक्स की कीमत, एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे पहले हम वाई को ज़्यादा, एक यूनिट प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा छोड़ते थे, अब नेक्स्ट अगर हम एक यूनिट और इसकी प्राप्त करते हैं, यहाँ से अगर सेकेंड यूनिट हम इसकी प्राप्त करते हैं, अब हम क्या करेंगे, इसको कम छोड़ेंगे, उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड यूनिट प्राप्त करते हैं तो इसको और कम कर देंगे। तो ये ध्यान रखिए, जैसे जैसे एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो वाई की छोड़ने की जो दर है वो क्या चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और यह भी आपने पढ़ा कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, इसका क्या मतलब होता है कि एक्स को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो वाई को हम किस रेट से डिक्रीज करेंगे, और ये कैसा होता है, इन डिफरेंस क्रम में एम आर एस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कैसी होगी, डिक्रीजिंग होगी। देखिए जो एम आर एस एक्स वाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम आर एस एक्स वाई, इसको हिंदी में बोलते सीमांत प्रतिस्थापन की दर, इन डिफरेंस क्रम में ये कैसी होगी, घटती हुई होगी। अब देख लेते हैं कि इन डिफरेंस क्रम की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। इन डिफरेंस क्रम की जो विशेषताएं हैं या जो प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं जो हैं, फर्स्ट क्या है कि इन डिफरेंस क्रम क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे कि जो इंडिफरेंस क्रव है, दो इंडिफरेंस क्रव, अलग अलग इंडिविजुअल के जो इंडिफरेंस क्रव वो एक दूसरे को नहीं कट कर सकते। रीज़न ये है इसका, क्योंकि जो एक अगर मान लिया जाए कि ये ई पॉइंट है कोई भी, तो ई पॉइंट से अगर आप इस साइड जाते हो तो ये इससे ऊपर होगा, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप इस पर जाते हो तो ये इसकी यूटिलिटी इससे कम हो जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक इंडिफरेंस क्रव पर आप देखते हो कि जो यूटिलिटी होती है वो सेम रहेगी। उसके बाद आपने देख लिया कि ये जो एम आर एस एक्स वाई होती है वो कैसी होती है, डिक्रीजिंग होती है। और यहाँ पर आपने देखा था कि जो यूटिलिटी है, चाहे ए पॉइंट है चाहे बी पॉइंट है, उस पर क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि जो हायर इंडिफरेंस करो हो उसके ऊपर जो जितना ज़्यादा ऊँचे जाओगे उतनी ज़्यादा यूटिलिटी बढ़ती चली जाएगी। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप ध्यान रखोगे। उसके बाद देखिए, यदि इंडिफरेंस क्रव के अंदर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, तो इंडिफरेंस क्रव कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये भी आप ध्यान रखोगे कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के अंदर परफेक्ट जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं, बिल्कुल एक को अगर दूसरे की जगह हम प्रतिस्थापित करें तो उसको प्रतिस्थापित हम एज इज कर पाए, तो वहाँ पर जो आपका इंडिफरेंस क्रव होगा वो कैसा हो जाएगा, एक तरीके से कॉन्स्टेंट, यानी कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। जब भी हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो एम आर एस एक्स वाई है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई है, वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते इस तरीके से, अगर आपका इंडिफरेंस क्रव है ऐसा ऐसा, तो ये कॉनवेक्स था, ये कॉनकेव हो जाएगा, कॉनकेव। इसका मतलब होता है कि एम आर एस जो इसका स्लोप होता है वो होता है आपका इंक्रीजिंग। इसका ये मतलब होता है, जब आप एक्स वस्तु की एक यूनिट, ये स्टार्टिंग की, जब आप सेकेंड यूनिट पर आप बढ़ाते तो पहले इसकी कम छोड़ रहे थे, उसके बाद इसकी ये बढ़ती चली जाएंगी, तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग, क्या, जो सीमांत प्रतिस्थापन की दर है। अगर है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर जो है आपका जो इंडिफरेंस ग्रो हो वो एल शेप का हो जाएगा। जैसे आप जूते पहनते हो ना, तो जो भी सूज आप पहनते हो, ऐसा तो है नहीं कि एक पैर में आप रिबोक का पहन लो, दूसरे में आप एडिडास का पहन लो, ऐसा तो होता नहीं होगा। आप या तो रिबोक के पहनोगे या एडिडास के, तो इसके अंदर क्या होता है कि दोनों ही वस्तु आपको एक साथ चाहिए, ये वस्तु भी और ये भी, बढ़ेंगी तो दोनों ही बढ़ेंगी, नहीं एक नहीं, तो इसलिए क्या होता है, एल शेप का होता, कब, जब परफेक्टली जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, जिनकी एक साथ ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो एम आर एस एक्स वाई होती है वो होती है जीरो, यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, बजट लाइन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बजट लाइन की। बजट लाइन, जो बजट लाइन होती है वो क्या होती है, बजट लाइन क्या होती है, यानी कि आपको ये दिखाती है कि आप कितना खर्च कर पाओगे। तो जो बजट लाइन होती है वो क्या दिखाती है, आयुर्वेग, यानी कि आप कितना, आपकी इनकम है उसको देखते हुए आप कितना खर्च कर पाएंगे।
तो बजट लाइन हम बता देते हैं एक बार, ये होती है, ये होता है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ये एक्स कमोडिटी है जिसके ऊपर आप खर्च कर रहे हो, प्लस में ये वाई कमोडिटी है। एक मिनट अभी बताती हूँ, ये वाई कमोडिटी है, उसके ऊपर होने वाला खर्च है। देखिए ये दोबारा समझिए, ये एक्स कमोडिटी है, ये वाई कमोडिटी है, ये एक्स कमोडिटी की कीमत है, ये वाई कमोडिटी की कीमत है। अगर एक्स कमोडिटी को आप जितना खरीदते हो तो वो इस कीमत पर आप खरीद रहे हो, तो दोनों को मिला दोगे तो ये इसका खर्चा निकल जाएगा एक्स वस्तु का। ऐसे ही इस कीमत पर आप वाई को ले रहे हो तो ये वाई का खर्चा हो जाएगा। तो ये दूसरा किसके बराबर होगा, ये या कम होगा, ये आपकी इनकम है, एम जो है वो इनकम है। इसको हम बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है ना, बजट बाधा। तो ये होती है आपकी बजट कंस्ट्रेंट। ये ध्यान रखिए, पूछा गया कि बजट कंस्ट्रेंट ऐसे देकर, तो देखिए जो आपका ये है आपकी आय और ये है आपका खर्च। यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका खर्च है ना, जो आपका खर्चा है वो या तो आपका इनकम से कम रहेगा या फिर इनकम के बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका खर्चे के साथ साइड ये खुल जाए कि आपका खर्चा ज़्यादा हो जाए और आय कम हो जाए, नहीं, क्योंकि ये इनकम आपको बाउंड करती है कि आप इससे ज़्यादा खर्चे नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट या बजट बाधा जो होती है। उसके बाद देखिए बजट लाइन इक्वेशन कब बनती है। बजट लाइन इक्वेशन जब होती है, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु के प्राइस है, और ये वाई वस्तु है और ये इनकम है। जब हम इसको पैरलर यानी कि इक्वल कर देते हैं तो इसको हम लिख देते हैं कि ये बजट लाइन इक्वेशन है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अब हमने निकालना है कि स्लोप ऑफ, जैसे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकाला था ना, ऐसे ही बजट लाइन का स्लोप, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए दोनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन हम पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए यही इक्वेशन जो ऊपर लिखी हुई है इसी को यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर स्लोप निकालना है, एक सेकेंड, स्लोप ऑफ बजट लाइन, इसके लिए यही इक्वेशन रहेगी कि जो इनकम है वो किसके बराबर है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू में एक्स प्लस में प्राइस ऑफ वाई इंटू में वाई कमोडिटी। ठीक है, ये एक्स का खर्चा है, ये वाई का खर्चा है। अब हम क्या करेंगे कि जो वाई है इसको इस साइड ले आएंगे, इसको तो इसी साइड रहने देंगे, ठीक है, इसको इस साइड ले आएंगे, तो एम में से यानी कि इनकम में से हम माइनस कर देंगे पी एक्स इंटू में एक्स इक्वल टू पी वाई इंटू में वाई, इस तरीके से कुछ इसको लिख लेंगे। अब देखिए वाई इस साइड रह जाएगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको इस साइड ले आओ कि पी वाई आपका इस साइड है यानी कि पॉजिटिव है, और ये आपका इनकम है, इनकम में से आपने ये इसको माइनस कर दिया। अब देखिए वाई आपका इस साइड रहेगा, एम डिवाइड बाई वाई हो जाएगा, एम डिवाइड बाई पी वाई हो जाएगा, और माइनस में पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई हो जाएगा, और इंटू में हो जाएगा एक्स। देखिए ये है आउटर जो कि बजट लाइन को शिफ्ट करेंगे, यानी कि कोई भी बजट लाइन होगी उसको शिफ्टिंग देंगे आउटर, और ये होता स्लोप जो कि इसके साथ लगा हुआ। तो ये इसका स्लोप है बजट लाइन का और ये आउटर है, ये आप ध्यान रखोगे। इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें होती है, एक स्लोप होता है एक आउटर होते है। आउटर हमेशा शिफ्टिंग देते हैं और जो स्लोप होता वो सिर्फ क्या स्टेपनेस और फ्लैटनेस को बताता है। अब आगे देखिए, आपने ये चीज़ें देख ली होंगी। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ पर होगा, किस में पढ़ रहे हो आप इंडिफरेंस कर्व में। तो जो कंज्यूमर एक सेकंड रुकिए, देखिए जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो होता है जहां पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो क्या था, आपने देखा कि एम आर एस एक्स वाई, ये इसका स्लोप था जो कि माइनस चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स निकल कर आया था, और इसका स्लोप क्या है कि माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई, यही इसका स्लोप है ना। जब ये एक दूसरे के बराबर होंगे तो वहाँ पर कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए ये आपके बजट लाइन है, ये कोई एक्स कमोडिटी है,
यहाँ पर कोई वाई कमोडिटी है। आप देख रहे हो कि आपके पास जितनी इनकम है ना, उसमें से एक्स को मैक्सिमम आप इतना खर्च कर पाते हो, खरीद पाते हो, और वाई को आप मैक्सिमम इतना खरीद पाते हो। ये चीज़ आपको दिखा रही है। आप इसके बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर रह सकते हो, ठीक है? क्योंकि इसके बाहर अगर जाओगे तो आपके पास पैसा नहीं है, और ये होता है इंडिफरेंस का। तो इसकी क्या इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या चाहिए? फर्स्ट ये है कि इन दोनों का स्लोप, इसका स्लोप बजट लाइन का और इंडिफरेंस करो का स्लोप जहाँ पर इक्वल होंगे, और जहाँ पर ये एक दूसरे के इक्वल होंगे वहाँ पर क्या होना चाहिए? जो इंडिफरेंस कराओ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन भी होना चाहिए। तो ये वहाँ पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट होगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके आगे हम चलते हैं, थोड़ा समय एक बार इक्वेशन के बारे में बता देते हैं, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती है। परफेक्ट, अभी मैंने बताया ना कि जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड होती हैं, गुड्स जो होती हैं, उनमें जो एक तरीके से जो इंडिफरेंस करो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और इसकी इक्वेशन पूछी गई है, मैं आपको इक्वेशन बताती हूँ कि यूटिलिटी एक्स और वाई, यानी कि दो वस्तु से मिलने वाली यूटिलिटी, इसको इस तरीके से इक्वेशन में लिख सकते हैं बी वाई। ये बजट लाइन इक्वेशन बनेगी, इसको बजट लाइन इक्वेशन हम बोलेंगे। कब बनेगी? जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होंगे, बजट लाइन इक्वेशन। उसके बाद देखिए के को हम जो है इससे को पूरे को हम के मान लेते हैं, ये होगा के। तो ये किसके बराबर होगा? ए एक्स प्लस बी वाई। अब हम क्या करेंगे, के में से जिस तरीके से हमने वो निकाली थी इससे पहले वाली, ए एक्स इस साइड हो जाएगा आपका बी वाई। अब k डिवाइड बाई बी हो जाएगा, इस b को इस साइड लेंगे y उस साइड रह जाएगा, a डिवाइड बाई बी हो जाएगा, x हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स होती हैं तो इसकी इक्वेशन ये पूछा गया था, तो इस तरीके से बनेगी। उसके बाद देखिए अगर होती हैं दूसरी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इक्वेशन किस तरीके से बनेगी? तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होती हैं उसमें इक्वेशन किस तरीके की, यानी कि इंडिफरेंस करो जो होता है वो एल शेप का होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एम आर एस एक्स वाई जीरो, यानी कि कोई भी सब्स्टिट्यूट्स नहीं कर पाओगे। जैसे एक तरीके के जूते चाहिए आपको, सॉक्स को फिर भी तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो, लेकिन आपको जूते बिल्कुल एक ही कलर के चाहिए, एक ही कंपनी के चाहिए, अलग अलग कंपनी का, ऐसा नहीं कि एक सूज को आप दूसरे को डाल लोगे। तो इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि दोनों पेयर आपको, यानी कि एक पैर का जूता और दूसरे पैर का जूता सेम होना चाहिए। तो इसकी इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अगर इस तरीके से आपको लिखी मिलेगी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की होगी। यहाँ पर मिनिमम होगा, यानी कि मिनिमम आपको एक सूजिए और एक सूजिए जब जाकर आपकी पूर्ति पूरी होगी, और इसको इस तरीके से लिखोगे, यानी कि दोनों ही चाहिए ना आपको, ये भी और ये भी, ठीक है? तो यानी कि राइट और लेफ्ट आपको मिनिमम मिनिमम एक एक चाहिए चाहिएगा। तो इसको हम बोलते हैं इस इक्वेशन को कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होती हैं उसकी है। अब इसके आगे हम चलते हैं, आपने देख लिया कि मतलब इंडिफरेंस करो क्या है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो बजट लाइन होती है ना, जो बजट लाइन होती है अभी आपने जो पढ़ी है, तो बजट लाइन का अगर स्लोप चेंज होता, जैसे पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई था ना, ये इसका स्लोप था। यहाँ पर सिर्फ आपने ये कॉमन सेंस का यूज करना है, कॉमन सेंस ये है कि यहाँ पर स्लोप लिख लो आप, यहाँ पर स्लोप। यदि प्राइस ऑफ वाई इंक्रीज करता है, प्राइस ऑफ वाई यदि बढ़ता है तो क्या होगा, प्राइस ऑफ एक्स यदि बढ़ता है तो क्या होगा, इसको एक बार आप बना कर देखो। यहाँ पर आप वाई कमोडिटी ले सकते हो, यहाँ पर आप एक्स कमोडिटी ले सकते हो। यदि एक्स के प्राइस डिक्रीज हो जाए तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पहले आप एक्स लेते थे, अब आप एक्स वन परचेज करोगे क्योंकि ये सस्ती हो गई है ना। तो इसका स्लोप आप देखिए, ये थोड़ा पड़ा खड़ा हुआ और ये पड़ा हुआ, यानी कि ये स्टीप और ये फ्लैट है, और स्लोप क्या है, पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई। तो इसके डिक्रीज होने से स्लोप क्या होगा, घट गया है, डिक्रीज होगा। तो ये ध्यान रखोगे कि अब देखिए इससे इस पर गए हो ना, तो इसका स्लोप, इसका ढलान कम हो, और इसका ढलान क्या है, ज़्यादा। दूसरे केस में आप देख लीजिए, यदि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, यदि वाई इंक्रीज हो जाए, जब नीचे वाला इंक्रीज होता तो साथ वाला यहाँ पर लिख लोगे आप, इसका अपोजिट रिलेशन दिखा दोगे, डिक्रीज होगा। तो देखिए ये वाई वस्तु है, ये वाई कमोडिटी है, ये एक्स कमोडिटी,
यदि ये सस्ती हो जाएगी, ये सस्ती हो जाएगी तो इसकी डिमांड क्या करोगे आप, ज़्यादा करोगे, इसकी डिमांड क्या करोगे आप, ज़्यादा करोगे। अब उसके बाद आप देखिए, यदि ये क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो इसकी डिमांड क्या करोगे आप, कम करोगे। तो यहाँ पर आपका स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि ये अगर आप ऐसे करते रहोगे तो ये ज़्यादा ज़्यादा खड़ा होता चला जाएगा ना। तो यहाँ से जब ये क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने से इसकी क्वांटिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर देखिए प्राइस क्या हुए हैं, यहाँ पर ये तो इसका इंक्रीज होने वाली बात थी, तो जब इंक्रीज हुए, इंक्रीज होने के कारण से इसकी क्वांटिटी आप पहले क्या करते थे वाई, अब कितना करते वाई वन, अगर सस्ती होती है तो कितना करते वाई टू। तो जब इंक्रीज हुए तो स्लोप घट गया, और जब डिक्रीज हुए तो स्लोप बढ़ गया, तो ये ध्यान रखोगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि अब भी आप पढ़ रहे हो इंडिफरेंस करो, इंडिफरेंस करो को आप, इंडिफरेंस करो के अंदर आप नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ोगे, गिफिन गुड्स के बारे में पढ़ोगे और इन्फीरियर गुड्स के बारे में पढ़ोगे। तो इस कारण से आप सारे इफेक्ट पढ़ोगे, आप इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, और प्राइस इफेक्ट क्या होता है। और आप ये भी जानोगे कि प्राइस इफेक्ट के अंदर ये दोनों आते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्लस में इनकम इफेक्ट। किसने इनको इस एक तरीके से जो ये प्राइस इफेक्ट है दो पार्ट में तोड़ा था, ये सैमुअलसन ने तोड़ा था। अब देखिए, अब चलते हैं इसके आगे, हम इनकम इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट क्या है, जो इनकम इफेक्ट होता है इसका मतलब होता है कि जो कमोडिटी है ना, कोई भी जो कमोडिटी है उसके प्राइस क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इनकम, सिर्फ इनकम में क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर जो है इनकम में चेंज होने से जो गुड्स की जो डिमांड है, यानी कि जो चेंज इन गुड्स, यानी कि गुड्स की डिमांड में क्या आएगा, चेंज आएगा। ये ध्यान रखिए कि गुड्स के जो प्राइस है, यानी कि कोई भी एक्स और वाई कमोडिटी, उसके के साथ छेड़खानी आपने नहीं करनी। सिर्फ इनकम में चेंज होने से जो आपकी डिमांड में जो चेंज आए उसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, यदि इनकम इंक्रीज होती है तो आपकी एक्स और वाई वस्तु की क्या होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी, लेकिन होगी कम, जब आपके वो नॉर्मल गुड्स होंगे, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, इनकम डिक्रीज होगी तो इन दोनों की डिमांड भी डिक्रीज होगी, लेकिन ये आप ध्यान रखते चलोगे कि यहाँ पर वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, देखिए। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। आपने क्या देख लिया, इनकम इफेक्ट क्या होता है, इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट होता है ये ऑलवेज नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इनकम होती है ना वो तो कांस्टेंट होती है, इनकम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एक वस्तु की जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ वन गुड्स, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, कोई भी एक वस्तु एक्स या वाई। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, जब आपके प्राइस एक वस्तु के प्राइस में चेंज होने से, एक वस्तु के यदि प्राइस डिक्रीज होते हैं तो आपकी रियल इनकम क्या कर जाएगी, इनक्रीज, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी जब एक वस्तु की कीमत गिरेगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्या बताता, जब भी कोई वस्तु सस्ती होगी, चाहे वो नॉर्मल गुड्स है चाहे इन्फीरियर गुड्स है, तो कंज्यूमर जो वस्तु सस्ती हुई है उसको दूसरी वस्तु के कंपेयर में हमेशा ज़्यादा खरीदने की कोशिश करेगा, वो गुड्स कोई भी हो, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर कि जो आपकी गुड्स होती हैं, अभी आपने देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है और इनकम इफेक्ट क्या, प्राइस इफेक्ट क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है, किसका, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गुड्स के बारे में। एक होती है ऑर्डिनरी गुड्स, ऑर्डिनरी, उसके बाद होती है गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स जो होती है सामान्य वस्तुएं होती है, नॉर्मल गुड्स, उसके बाद होती है इन्फीरियर गुड्स। एक सेकंड, इन्फीरियर गुड्स, देखो गिफिन को गिफिन ही बोलते हैं,
इनफीरियर भी क्या होती है, घटिया वस्तुएं होती हैं, और नॉर्मल क्या होती है, सामान्य वस्तुएं होती है। इन दो की बात करते हो ना तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होती है, ये डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं। किससे, यानी कि प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो इनकी क्वांटिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। किसकी, गिफ्ट इन गुड्स की। ऑर्डिनरी में क्या होता है कि डायरेक्ट जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही क्वांटिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर। इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, इसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ही डन, नॉर्मल गुड्स में प्राइस के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता, ऐसे ही इन्फीरियर। देखिए इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, नॉर्मल में तो होगा ही होगा, लेकिन ये दोनों ही जो वस्तुएं होती हैं यहाँ पर क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर होता कि प्राइस घटने से डिमांड बढ़ेगी या प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, ये इस तरीके का नियम लागू होता, लेकिन गिफ्ट इन गुड्स में ये लागू नहीं होता। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी वस्तु जो हो वो गिफ्ट नहीं होती, कोई भी नॉर्मल नहीं होती, कोई भी इन्फीरियर नहीं होती। ये जितनी भी नॉर्मल गुड्स होती है, यानी कि जो भी नॉर्मल गुड्स हैं या फिर आपकी इन्फीरियर गुड्स हैं या फिर आपकी गिफ्ट इन गुड्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन के हिसाब से होती हैं। यानी कि इनकम जो होती है ना कंज्यूमर की, उसके साथ इनको उसके उसको देखने के बाद डिफाइन किया जाता है कि कौन सी गुड्स कैसी है। हो सकता है कि कोई वस्तु किसी के लिए नॉर्मल हो और किसी के लिए वही वस्तु लग्जरी हो सकती है, किसी के लिए हो सकता है कि वो इन्फीरियर हो और किसी के लिए वो नॉर्मल हो जाए। अब मान लेते किसी की सैलरी ही मान लेते कि 3 या 4 हज़ार रुपये महीना है, तो 3 या 4 हज़ार रुपये महीना से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, क्या कभी ये बंदा मॉल में जाकर या अच्छा मार्केट से कभी कोई भी कपड़ा या सामान परचेज कर पाएगा? नहीं। इसको कैसा सामान ढूंढना पड़ेगा जो कि सेल का होगा, वहाँ से यानी कि जो फुटपाथ पे जो सेल लगी होगी इस तरीके से वहाँ से इसको अपना गुजारा करना पड़ेगा। या कोई भी फ्रूट खरीदेगा तो जो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मान लिया जाए कि इसको अंगूर चाहिए अंगूर खाने, तो अंगूर ये ना जो एक एक पीस में टूटे हुए पड़े होते हैं, थोड़े से ख़राब टाइप के होते हैं, उसको परचेज करना पड़ेगा। अब देखिए इसके लिए तो क्या है, ये नॉर्मल है, लेकिन एक आम आदमी जिसकी मान लेते हैं कि 20 या 30 हज़ार रुपये सैलरी है, तो ये 30 हज़ार वाला क्या करेगा, अच्छे जो गुच्छे टाइप होते हैं अंगूर उनको एक साथ यानी कि जो एक साथ जुड़े होते हैं उनको लेगा, मार्केट से इनको चीज़ों को परचेज करेगा। उसी प्रकार से अगर आप देखोगे किसी की मान लेते कि 3 लाख होती है, वो क्या करेगा, अच्छे मॉल से कपड़े परचेज करेगा। तो ये सारा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इनकम के साथ डिपेंड है। आप इसको ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सी इन्फीरियर है, कौन सी गिफ्ट है और कौन सी नॉर्मल गुड। अब देखिए कि जो नॉर्मल गुड्स है, एक बार उसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स के अंदर क्या होता है। नॉर्मल गुड्स जो होती है वो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, अगर नॉर्मल होगी तो। अगर इनकम घटेगी तो उस वस्तु की डिमांड भी घट जाएगी। उसके बाद देखिए जो प्राइस इफेक्ट होता है, ये देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। ये जो आपकी एक तरीके से आप TR जैन पढ़ते हो या फिर UGC नेट में पूछा जाता तो यही पूछा जाता है, ठीक है ना। जो प्राइस इफेक्ट होता है नेगेटिव होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये वैसे अगर आप इसको देखोगे ना तो प्राइस इफेक्ट इसका पॉजिटिव बढ़ोगे अगर आप फॉरेन ऑथर को फॉलो करते हो, और इनकम इफेक्ट जो है इसका नेगेटिव बढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर यही मिलता है कि इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव। देखिए हम बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है। नॉर्मल जो गुड्स होती हैं उनके केस में क्या होगा कि जो नॉर्मल गुड्स हैं वहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्मल गुड्स में जब इनकम इंक्रीज होती है तो इन वस्तुओं की डिमांड भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। जब इनकम डिक्रीज होगी तो इन वस्तुओं की डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। उसी प्रकार से अगर किसी वस्तु की कीमतें घटती हैं तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी खरीदने की क्षमताएँ बढ़ जाएगी कीमतों के गिरने के कारण से। जैसे क्लोथिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, मोटर व्हीकल हो गए, ये नॉर्मल गुड्स के एग्जाम्पल है। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि आप बता ही नहीं सकते कौन सी नॉर्मल गुड्स है और कौन सी इन्फीरियर, कौन सी गिफ्ट है। ये इनकम ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है और इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, यानी कि जो इनकम इफेक्ट है और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। अब यहाँ पर आपने ये भी देख लिया है कि जो इनकम इफेक्ट है, ठीक है ना, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और सेम डायरेक्शन में काम करेंगे। उसके बाद आपने देख लिया कि प्राइस गिरने से डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट है आपका वो होता पॉजिटिव,
अकॉर्डिंग टू जो भी आप बुक्स पढ़ते हो इंडियन ऑथर की, और प्राइस इफेक्ट क्या होता है नेगेटिव, यही पेपर में पूछते हैं, ठीक है। वैसे अगर आप इसको फॉरेन ऑथर को फॉलो करते तो ये नेगेटिव मिलेगा, ये आपको पॉजिटिव मिलेगा। इसका पीछे रीजन है, वो रीजन मैं आपको कभी एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फीरियर गुड्स की। जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं जो घटिया वस्तुएं होती हैं, यहाँ पर भी जो मांग का नियम होता है वो अप्लाई होगा, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप होगा डिमांड करो। जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं यहाँ पर जो इनकम इफेक्ट होता है वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि इनकम बढ़ती है तो इन वस्तु की आप डिमांड क्या करते हो, कम करते हो। अब जो इनकम इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। किस में? इन्फीरियर गुड्स में। इसमें इनकम इफेक्ट आपका क्या होगा, लेस देन होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ग्रेटर देन होगा। ये समझ में आपका जब हिक्स और सैमुएलसन का पार्ट करवाऊंगी मैं। और जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं गिफ इन गुड्स की, यानी कि जो घटिया से भी घटिया वस्तुएं होती हैं, यानी कि इन्फीरियर से भी घटिया होती हैं, घटिया से भी घटिया वस्तुएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं गिफ इन गुड्स। तो गिफ इन गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीज एज ए प्राइस इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या होता है, जब महंगी होती है कोई वस्तु, क्या होता है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी डिमांड भी बढ़ती है। देखिए अगर आप इसको कॉमन सेंस का यूज़ करो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि प्राइस ज़्यादा हुए हैं तब उसकी डिमांड बढ़ती है। मान लिया जाए कि आप पोटैटो का यूज करते हो, और पोटैटो का यूज इसलिए करते हो क्योंकि आपकी कीमत है, मान लेते कि आप पर मंथ है ना सिर्फ 8,000 रुपये ही आप इनकम कमाते हो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा आलू खाते हो, ठीक है। क्यों खाओगे? क्योंकि आप पनीर तो खा नहीं सकते, इतनी आपकी इनकम है नहीं। और मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर जो है दूसरी वस्तुएं जो है, अगर उनकी जो कीमतों को देखोगे और पोटैटो कीमत को देखोगे, अगर यहाँ पर आलू की कीमत पहले कितनी थी, मान लेते कि 5 रुपये किलो आता था, अब यहाँ पर आलू की कीमत कितनी हो जाए, 8 रुपये हो जाए, इंक्रीज होकर वो कितना हो जाए, 8 रुपये हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कीमत बढ़ने से आप इसकी डिमांड बढ़ा रहे हो। अब आपने क्या करना पड़ेगा कि इसके बगैर तो आपको सरेगा नहीं, यानी कि आप इसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो ये 3 रुपये यहाँ पर एक्स्ट्रा पर केजी के हिसाब से आपको खर्च करने पड़ेंगे, ये जो दूसरी वस्तु के ऊपर खर्च करते थे वहाँ से कटौती करके आपको ये लेना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं कि इसकी कीमतें बढ़ने से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिमांड डिक्रीज होगी जब प्राइस डिक्रीज होंगे। द इन्फीरियर गुड्स फॉर विच देर इज डायरेक्ट प्राइस डिमांड रिलेशन आर नोन एज द गिफ इन गुड्स। द गिफ इन गुड्स आर एक्सेप्शन ऑफ द मार्सेलियन लॉ ऑफ डिमांड। तो वो करेंगे मार्सल का जो डिमांड करो था वो उसके लिए क्या होगा, ये एक्सेप्शन होगा, क्योंकि मार्सल ने तो क्या कहा था कि डिमांड करो डाउनवर्ड स्लोप होता, लेकिन यहाँ तो डिमांड करो कैसा होगा, अपवर्ड स्लोप होगा। ये अभी इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन को आप ध्यान से देखिए कि ऐसी कमोडिटी होगी, ठीक है ना, जहाँ पर नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। द कमोडिटी मस्ट बी इन्फीरियर विद ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मस्ट बी स्मॉल, यानी कि जैसे कि इन्फीरियर गुड्स में आपको सब्स्टिट्यूट्स मिल जाते तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट्स करने के लिए बहुत ही कम वस्तुएं होंगी। इनकम स्पेंड अपॉन द इन्फीरियर गुड्स मस्ट बी लार्ज, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम का जो भी इन वस्तुओं को खरीदता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा जो है वो खर्च कर रहा होगा। जैसे इससे पहले इन्फीरियर गुड्स में क्या था कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका ग्रेटर देन था इनकम इफेक्ट से, यहाँ पर इसका अपोजिट कर दोगे कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेस देन है, इनकम इफेक्ट क्या है यहाँ पर ग्रेटर देन है, ये आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर दूसरी बात ध्यान रखने की क्या है, दूसरी बात ये है ध्यान रखने की, यहाँ पर जो इनकम नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, इनकी इनकम इफेक्ट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और जो प्राइस इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखोगे। और आपने अभी देख लिया कि इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हुए चलोगे, इनको नोट डाउन करते चलोगे। उसके बाद आप देखोगे आगे जो मैं करवा रही हूँ कि एक वेबलन गुड्स भी होते हैं। वेबलन गुड्स कौन सी होती हैं? फॉर वेबलन गुड्स डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव नेचर एंड स्टेटस सिंबल। वेबलन गुड्स वो होती हैं जो आपके स्टेटस को और सिंबल को दिखाती हैं। किस तरीके से? देखते होंगे कि आजकल जो ट्रेंड है, पहले क्या था कि गोल्ड का ज़्यादा ट्रेंड था, ठीक है ना, गोल्ड को ज़्यादा देते थे। अब क्या है, आजकल जो जितने भी अमीर आदमी हो क्या देते हैं, हीरे की यानी कि डायमंड की बात करते हैं। तो डायमंड क्यों देते, डायमंड क्या, एक पत्थर ही तो है, उसको क्या करना हो, खाने पीने के काम आएगा, कोई ओढ़ने के काम आएगा, कुछ काम नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी आप देखते होगे जो अमीर अमीर आदमी है वो डायमंड को देंगे या फिर वो गोल्ड को देंगे,
क्या उनके स्टेटस को दिखाता, कि वो ये बताना चाहते कि हम इतने अमीर हैं। तो जितनी ज़्यादा इनकी कीमतें होंगी उतना ही इन वस्तु की डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर गोल्ड की कीमत घटकर मान लेते कि 50,000 या 50,000 से डिक्रीज होकर ये 2,000 हो जाए, तो ये जो अब देखो गरीब भी पहनेगा अमीर भी पहनेगा, तो अमीर इनको पहनेंगे ही नहीं। तो और दूसरी बात यह है कि डायमंड भी ऐसे ही आ जाए बहुत सस्ता हो जाए तो ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी इसके स्टेटस का एक तरीके से नहीं रहा, स्टेटस से बाहर होगा। तो इस तरीके की जो गुड्स होती हैं वो क्या होती है, वेबलन गुड्स होती हैं। वेबलन गुड्स के अंदर प्राइस इफेक्ट क्या होता, पॉजिटिव होते, जैसे लग्जरी कार होगी, डिजाइनर ज्वेलरी होगी, तो ये सारी की सारी वस्तुएं जो होती हैं वो वेबलन गुड्स होती है। वेबलन गुड्स क्या होती है, जो दिखावे की होती हैं, जो दिखावा करने के लिए लोग पहनते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा महंगी होंगी उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे लोग इनको खरीदेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद कुछ करों के बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट हम बात करते इनकम कंजम्पशन करो। अब ये इंडिफरेंस करो चला, और इंडिफरेंस करो बहुत ही लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकम कंजम्पशन करो की। तो जो इनकम कंजम्पशन करो होता है उसको बोल देते ICC, ठीक है। तो जो इनकम कंजम्पशन करो होता है उसको हम देखेंगे कि वो किस तरीके से निकलता है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज कीपिंग द प्राइस ऑफ टू प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट। यहाँ पर क्या होगा, इनकम कंजम्पशन करो के लिए हम क्या करेंगे कि प्राइस तो क्या रहेंगे, वस्तुओं के जो प्राइस हैं वो तो रहेंगे कॉन्स्टेंट, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम चेंज होगी, उसके आधार पर ही हम जो इनकम कंजम्पशन करो है उसको ड्रॉ कर पाएंगे। तो देख लेते हैं इनकम कंजम्पशन करो के लिए क्या क्या चाहिएगा। इनकम कंजम्पशन करो के लिए आपको चाहिए कि ये बजट लाइन है, ये आपकी बजट लाइन है, और ये है इंडिफरेंस करो। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को भले ही ना लिखो। उसके बाद आप देखिए, यदि आपकी इनकम इंक्रीज हो जाए तो बजट लाइन आपकी बिल्कुल स्लोप कॉन्स्टेंट रहेगा, ये इसके पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी। थोड़ा सा ध्यान रखना, ये पैरेलल होगी इसके। तो जब पैरेलल कोई चीज़ शिफ्ट करती है तो स्लोप में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ से आपका इंडिफरेंस करो IC से IC1 हो जाएगा। यदि हम इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये निकल कर आएगा आपका इनकम कंजम्पशन करो। ये क्या निकल कर आएगा, इनकम कंजम्पशन करो। तो इनकम कंजम्पशन करो के लिए आपको क्या चाहिए, एक इंडिफरेंस करो चाहिए, एक बजट लाइन चाहिए, और इनकम के बढ़ने से जो इनके यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं इनको अगर आप मिला दोगे तो इनकम कंजम्पशन करो को आप निकाल पाओगे। तो इनकम कंजम्पशन करो आपने देख लिया, अगर ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये जो गुड्स है ना वो नॉर्मल गुड्स है। तो ICC जो होता है उसका स्लोप यदि अपवर्ड है तो वो कैसी है, नॉर्मल गुड्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम कंजम्पशन करो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखिएगा आप, कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जा रही जो कि नहीं पूछी गई हो। ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ आपको। उसके बाद आप देखिए इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा। इन्फीरियर गुड्स के केस में इन इन्फीरियर गुड्स एज इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स डिक्रीज। और इसका उल्टा भी यही होता है कि इनकम जब बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड्स में उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उस केस में किस तरीके का होगा, इंडिफरेंस कराओ। तो यहाँ पर अगर हम मानकर चले कि एक्स वस्तु इन्फीरियर है, तो एक्स वस्तु यदि इन्फीरियर होगी तो इंडिफरेंस करो कुछ इस तरीके से झुकाव होगा वाई की तरफ। यदि यहाँ पर हम बात करें कि वाई वस्तु यदि इन्फीरियर है, वाई तो ये एक्स की तरफ झुका होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक्स की तरफ, तो यहाँ पर ये जिसकी तरफ झुका हुआ है वो अच्छी वस्तु है, नॉर्मल गुड्स, और ये जिसकी तरफ से उस दूसरी तरफ है वो आपकी घटिया वस्तु। जैसे ये इस तरफ झुका हुआ तो वाई अच्छी वस्तु यानी कि नॉर्मल गुड्स है, और एक्स क्या है, घटिया। यहाँ पर देखिए एक्स की तरफ झुका हुआ तो इसका मतलब एक्स आपकी नॉर्मल गुड्स और वाई आपकी इन्फीरियर गुड्स है, ये ध्यान रखना है आपने। यदि उसके बाद आप देखोगे जो मतलब अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है, इन केस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इन डिफरेंस करो बिकम डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। इनकी जब जो होगा यदि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होगा तो जो जो आपका एक तरीके से जो इनडिफरेंस करो बिकम्स डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। इनकी जो अभी आपने देखा था ना कि जो इनडिफरेंस करो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में कैसा था, इस तरीके का था, ठीक है ना। तो ICC स्लोप विल बी बिकम हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस। तो करेंगे जो वो होगा, जो क्या होगा ICC होगा वो एक्स एक्स के पैरेलल होगा, ये ध्यान रखिए।
उसके बाद देखिए परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री अगर गुड्स हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में जो आपका एक तरीके से जो ICC है वो बिल्कुल यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका इनकम कंजम्पशन कराओ होल कहलाएगा। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा था, किस तरीके का था आपका इंडिफरेंस करो, इस तरीके का था ना, ये इस तरीके का, इस तरीके का, तो ये आपका इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ICC करो विल बी पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड इन परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये ध्यान रखना है आपने। और उसके बाद अगर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर बताना चाहूँ तो उनको एक बार ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए एक एंजल करो के बारे में आप पढ़ते हो, एंजल करो को इंग्लिश हिंदी में एंजल करो ही बोलते। एंजल करो का क्या मतलब होता है, प्राइमरी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है, किसकी, प्राइमरी गुड्स की, प्राइमरी गुड्स की जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो होती है लेस देन वन, और जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स होती हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी होती है ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या होता है, एंजल करो आपको ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी वैसे वैसे हम प्राइमरी गुड्स की डिमांड को क्या करेंगे, डिक्रीज करते चले जाएंगे। डिक्रीज करने का ये मतलब नहीं है कि अब जो हमारी प्राइमरी जो प्रोडक्ट है अब हम उनको कम कंज्यूम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि मान लेते कि आप जब आपकी कितनी भी इनकम है, आप क्या करते हो, आटे का यूज करते हो घर में, चावल का यूज करते हो, दाल का यूज करते हो। अब आपकी इनकम मान लेते हैं कि 10,000 रुपये है, अगर आपकी इनकम 1,00,000 रुपए हो जाए, ऐसा तो है नहीं कि 1,00,000 होने से आटा ज़्यादा खाने लग जाओगे, चावल ज़्यादा खाने, ये तो इनका तो क्या ही रहेगी, लिमिट ही रहेगी। तो लेकिन इनकम के बढ़ने पर इनके ऊपर जो दिखने वाला जो खर्च है वो आपको क्या लगेगा, कम होगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की आप बात करोगे, जैसे कपड़े हो गए महंगे महंगे, उनकी आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि एंजल करो ये बताता है कि जो इनकम इलास्टिसिटी है किसकी, प्राइमरी प्रोडक्ट की, वो होती है लेस देन वन, और जो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट की जो बने हुए सामान की होती है वो होती है आपकी ग्रेटर देन वन। अब मैं इसका क्यों जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि जो ICC है और एंजल कराओ में क्या संबंध है, उनका इन्फीरियर गुड्स में क्या संबंध रहेगा, सिंपल किस तरीके से एंजल कराओ को क्या हमें जो इनकम कंजम्पशन कराओ उससे ड्रॉ कर सकते, तो देख लेते हैं। और क्या संबंध दिखाते, कौन सा किसके साथ रिलेट होता है। अभी आपने देख लिया कि ये इनकम कंजम्पशन कराओ, ये आपका इनकम कंजम्पशन कराओ ICC से ICC1, यहाँ से अगर आप इन पॉइंट को मिला देते हो तो ये आपका निकलता है इनकम कंजम्पशन कराओ, ठीक है, नॉर्मल गुड्स के केस में। दूसरा देखिए, यहाँ पर एक्स वस्तु है और यहाँ पर वाई वस्तु है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप लोगे इनकम और यहाँ पर आप लोगे कोई भी एक एक्स वस्तु, तो एक्स ही ले लेते हैं। जब आपकी इनकम ये थी, बजट लाइन है ना, ये कोई ए बी बजट लाइन है, जब इनकम बढ़ेगी तो A1 से B1 हो जाएगी, A1 B1 हो जाएगी। तो करें कि इनकम जब इतनी थी तो एक्स वस्तु को हम इतना परचेज करते थे, जब हमारी इनकम कितना था, कम थी, इतनी थी, एक्स वस्तु को हम इतना परचेज करते थे। जैसे ही हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी एक्स वस्तु की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, हम एक्स से X1 परचेज करते। तो ये जो निकल कर आता है इसको बोलते एंजल करो। तो आप देख रहे हो कि एंजल करो इनकम और एक वस्तु के बीच में कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे, इनकम और एक वस्तु के बीच में कॉम्बिनेशन को दिखाता है। और दूसरा जो इनकम कंजम्पशन कराओ है, इनकम जो कंजम्पशन कराओ है वह दो कमोडिटी के बीच कॉम्बिनेशन को दिखाता है। तो ये ध्यान रखिए, जो मैंने इनकम कंजम्पशन कराओ के अंदर बताया था कि दोनों कमोडिटी के प्राइस कॉन्स्टेंट रहेंगे, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम के चेंज होने से उसकी क्या होगी, दोनों वस्तु की डिमांड में जो चेंज आएगा। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जो एंजल करा हुआ है और जो इनकम कंजम्पशन करा हुआ वो कैसे होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो लग्जरी गुड्स होती है ना, लग्जरी जो महंगी वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो आपका जो एंजल करा हुआ है वो कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है लग्जरी गुड्स के केस में, इस तरीके का
एंजल करा होगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन, और जो आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं उसके अंदर इस तरीके का होता है। इसका मतलब होता है इनकम इलास्टिसिटी लेस देन वन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और घटिया वस्तु के केस में दोनों ही, चाहे वो एंजल करा हो है चाहे फिर इनकम कंजम्पशन करा हो, कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, घटिया वस्तु के केस में एंजल करा होगी और जो आपका एक तरीके से जो इनकम कंजम्पशन करा हो वो भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे, एंजल करा हो क्या होता है और इनकम कंजम्पशन करा हो क्या होता है। अब आगे हम बात करते हैं प्राइज कंजम्पशन करा होगी, ठीक है। प्राइज कंजम्पशन करा हो क्या होगा, अब देखिए हम बात करते हैं प्राइज कंजम्पशन कराओ, जिसको हम PCC बोलते हैं, प्राइज कंजम्पशन कराओ। तो जो प्राइज कंजम्पशन कराओ होता है, यदि हम बात करें नॉर्मल गुड्स की, तो नॉर्मल गुड्स के केस में आपका जो प्राइज कंजम्पशन कराओ होता है वो होता है डाउनवर्ड स्लोप, ये ध्यान रखिए, ये प्राइज कंजम्पशन कराओ होता है। उसके बाद यदि जो आपका, तो इसका मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है, इसका मतलब होता है इन केस ऑफ पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। एक तो ये ध्यान रखिए कि जब आपका जो आपका एक सेकेंड जब प्राइस कंजम्पशन करो डाउनवर्ड स्लोप होता है, तो इसका मतलब होता है ये वस्तुएँ कैसी होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट कर सकते हो एक जगह दूसरी वस्तु को, और जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं तो वहाँ पर जो जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी अभी बताऊँगी इलास्टिसिटी क्या होती है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपने देख लिया कि जो आपका डाउनवर्ड PCC है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। तीसरा, यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो ग्रेटर देन एक से ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे कि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ऐसी होती हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है, जो क्रॉस इलास्टिसिटी को हिंदी में क्या बोलते हो, आड़ी लोच जिसको आप बोलते हैं, वो पॉजिटिव होती है, यानी कि उसके जब सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती है तो वो पॉजिटिव होती है। दूसरा है जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, पी अपॉन में क्यू इनटू में चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी, ठीक है। तो ये क्या होती है, आपकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी होती है। तो ये क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। तो ये ध्यान रखोगे, तो PCC जो होता है डाउनवर्ड जब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स गुड डिक्रीज कंज्यूमर बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड लेस ऑफ गुड वाई। ये जब एक्स वस्तु की कीमतें घटती हैं तो कंज्यूमर क्या करता है, एक्स वस्तु की ज़्यादा डिमांड करता है वाई के कंपेयर में। अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरीके से बनाया जाएगा ये, कि देखिए एक्स वस्तु की ये डिमांड की जा रही है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई वाई कमोडिटी है। उसके बाद देखिए जब वो करें कि इसकी कीमत मान लेते कि ये इतनी इसकी डिमांड की जा रही है, ये अगर एक्स वस्तु की प्राइस जो है ना वो घट जाती है तो एक्स वस्तु की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अभी अपने स्लोप पढ़ा था ना कि PX डिवाइड बाई PY, तो इसके प्राइस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब डिमांड कब बढ़ी है, जब इसकी कीमतें गिर गई है, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर थे, अगर आप यहाँ पर इंडिफरेंस करो बनाना चाहो तो बना सकते हो यहाँ पर भी। अब उसके बाद यदि और गिर जाए तो और बढ़ जाएगी यहाँ से। अगर वो करें कि इन पॉइंट्स को हम मिला दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वाई के जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स को, तो प्राइस कंजम्पशन करा कैसा हो गया, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। दूसरा देखिए, यदि अपवर्ड स्लोप है, अगर PCC ऐसा है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो ना कि जैसे जैसे दोनों वस्तु की यहाँ पर डिमांड बढ़ती जा रही है, इस तरीके से इसको बनाओ तो बना लेना, नहीं तो ऐसे भी आप समझ जाओगे। तो इसका मतलब होता है डिमांड फॉर गुड्स इज इन इलास्टिक। वहाँ पर कैसी थी इलास्टिसिटी, कैसी थी, इलास्टिक थी। यहाँ पर कैसी हो जाएगी डिमांड जो है वस्तुओं की, कैसी हो जाएगी, इन इलास्टिक हो जाएगी। फॉर अपवर्ड स्लोप होगा PCC, प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कैसी होगी,
एक तरीके से लेस देन वन हो जाएगी, लेस देन वन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज स्मॉलर देन, इनकी प्राइस में जो चेंज आया अभी बताऊंगी वहाँ पर आप समझ जाओगे, ये इस तरीके की, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आए लेकिन डिमांड में बहुत कम फर्क पड़े। तो इसका आगे देखोगे डिमांड इज इन इलास्टिक, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और जब ये होता है इस तरीके से पीसीसी बैकवर्ड बैंड होता है, तो इसका मतलब होता है कि ये वस्तुएं हैं गिविंग गुड्स, ठीक है ना। तो बैकवर्ड बैंड ये है, तो इसका मतलब है कि एक्स इंडिकेट्स दैट व्हेन प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स आफ्टर ए पॉइंट स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ इट डिमांड फॉर ए परचेज, ठीक है ना। प्राइस गिरने पर भी एक्स वस्तु को हम कम परचेज करते हैं, तो गिविंग गुड्स के केस में कैसा होगा, ये बैकवर्ड बैंड हो जाएगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि अगर पीसीसी कैसा हो जाए, प्राइस कंजम्पशन करो हॉरिजॉन्टल हो जाए, प्राइस क्या होती है कीमत, ठीक है ना, ये क्या है उपभोग वक्र, कीमत उपभोग वक्र। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं जो ये पूछते हैं कि मैडम हिंदी में करवाओगे, हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं होता, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, तो इसलिए आप ऐसे करके कि आप हिंदी है या इंग्लिश है ऐसे वीडियो को मत छोड़िएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मेरे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है। तो अगर ये पीसीसी कैसा होता है, ओ एक्स के पैरेलल होता है इन केस ऑफ यूनिटरी, यानी कि इसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू वन है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल टू वन, आप देखते हो ना कि जितना कीमत में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होगा। तो यहाँ पर इस तरीके की हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल जो प्राइस कंजम्पशन करो, मींस व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल इट्स डिमांड इंक्रीज बट क्वांटिटी परचेज ऑफ क्वांटिटी वाई रिमेन सेम, लेकिन वाई की क्वांटिटी क्या रहेगी यहाँ पर, सेम रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखिए, अब हम बात करते हैं हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हिक्स और उसके सॉरी, इससे पहले मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, मैंने ये बोला था कि जो सब्स्टिट्यूशन जो प्राइस इफेक्ट है उसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और प्लस इनकम इफेक्ट में सेमुलसन ने, थोड़ा सेमुलसन ने लिस्ट की है, ये मेरे को उस टाइम पे एकदम से कन्फ्यूजन ही, उस टाइम पे एकदम से क्लिक करेगा कि सेमुलसन है, नहीं इसको जो तोड़ने वाला वो सेलेस्ट की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो उसके बाद आप देखिए जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट है, तो यहाँ पर हम हिक्स की बात करें, हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। हिक्स सबसे पहले, हिक्स का सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का क्या मतलब होता है, प्राइस जब डिक्रीज होते हैं तो जो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स कमोडिटी है, ठीक है, उसकी हम इतनी डिमांड करते हैं, यदि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाई प्राइस ऑफ वाई, ये बजट लाइन का स्लोप है, यदि एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्यों से क्यों वन हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो प्राइस डिक्रीज होने से, प्राइस डिक्रीज होने से जो कंज्यूमर की पहले वो स्टार्टिंग में कहाँ पर था, स्टार्टिंग में हम मान लेते कि वो यहाँ पर था, कोई भी पॉइंट हम ले लेते कि कोई आर पॉइंट था, यहाँ पर था, उसके बाद वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लेते कि एस पॉइंट पर चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकम जो प्राइस के घटने से जो उसकी इनकम बढ़ी, यानी कि खरीदने की जो क्षमता बढ़ी है, हिक्स क्या कहता है कि उसको हम वापस ले लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, वापस ले लिया जाएगा। तो वो करें कि जब उसको वापस ले लिया जाएगा, तो वापस लेने के बाद तो लेकिन क्या हुआ है, एक्स वस्तु क्या हो गई है, पहले के कंपेयर में सस्ती हो गई है। तो जब एक्स वस्तु क्या हो गई है, कम हो गई है उसके प्राइस, तो उसकी डिमांड तो क्या होगी, सही बात है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो यही कहता है कि उसकी डिमांड को ज़्यादा किया जाए। तो करें कि पहले आर पॉइंट पर हैं, फिर किसी एस पॉइंट पर गए, अब उससे जब इनकम वापस ले ली जाएगी, तो अभी आपने देखा था ना कि बजट लाइन जब उसकी इनकम घटती है, इनकम जो बढ़ी हुई इनकम, तो बजट लाइन उसके पैरेलल शिफ्ट करते, घटने के बाद ये नीचे शिफ्ट कर जाएगी। तो करें कि इसके ठीक पैरेलल जो है, इसके ठीक पैरेलल वो यहाँ पर शिफ्ट करेगी, ठीक है, एक सेकेंड, इसके पैरेलल शिफ्ट करेगी वो, इस पहले बजट लाइन की, ये कौन सी है, ये जो इनकम प्राइस घटने के बाद थे, इस जो बजट लाइन आई थी, इसके पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी। तो वो करें कि पैरेलल शिफ्ट करने पर वो कोई
आर पॉइंट से मान लेते कि किसी एच पॉइंट पर चला जाता है, किसी एच पर, तो ये इंडिफरेंस करो आप एक साथ बना लो या फिर बाद में बना लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वो इस कमोडिटी को इतना परचेज करता था, उसके बाद घटने के बाद इतना करने लगा, लेकिन उसकी बढ़ी हुई इनकम वापस लेने से अब क्या हुआ, वो इसको पहले तो इतना कम करता था लेकिन कीमत घटने के कारण से, बढ़ी नहीं घटने के कारण से उसकी डिमांड क्या करेगा, वो ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि उसकी कीमत घटने पर उसकी डिमांड क्या कर रहा, ज़्यादा कर रहा है। तो यही आर से एच पर जो आना है वो क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। आर से एस पर जाना आपका प्राइस इफेक्ट है, आर से एच पर आना आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, एस से एच पर आना आपका इनकम इफेक्ट है। देखिए मैं दोबारा एक बार आपको बता देती हूँ, ये आपकी क्वांटिटी है एक्स वस्तु की, कीमत घटने पर आप आगे की तरफ शिफ्ट कर गए, यहाँ पर क्यों से क्यों वन पर आ गए। अब जितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज, पहले आप यहाँ पर थे फिर आप यहाँ पर चले गए, लेकिन जितनी भी आपकी इनकम इंक्रीज हुई है उसको वापस ले लिया जाएगा, फिर आप यहाँ पर आ गए। तो ये इंडिफरेंस करो आपका इस तरीके से बन जाएगा, ये कोई आर पॉइंट है, ये कोई एच पॉइंट है, ये कोई एस है। जब कीमत घटी तो आर से एस पर गए, ठीक है ना। तो ये होगा प्राइस घटने का, यानी कि प्राइस इफेक्ट देखिए नॉर्मल गुड्स है ये, तो ये कैसा डाउनवर्ड स्लोप है। तो आर से एस आपका प्राइस इफेक्ट है, यानी कि आर टू एस। उसके बाद देखिए जब आर से एच यानी कि उसकी इनकम वापस ले ली गई, अब आर से पहले वो इसको इतना खरीदता था इतना, अब उसको कितना खरीदता इतना, ये इतना क्यों खरीदता, क्योंकि उसकी कीमत क्या हो गई गिर गई है। इसलिए आर से जो एच पर आया वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहलाएगा। इनकम वापस लेने से आपको कहाँ पर आना पड़ा, एच पर, तो एस से एच पर जो आप आए वो आपका इनकम इफेक्ट कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहीं पर भी अगर आपको निकालना पड़े तो प्राइस इफेक्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, ये आप ध्यान रखोगे। अब देखिए जो हिक्स की जो है एक तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसके अंदर क्या है, हिक्स का जो मेन ये है कि ये एक ही इंडिफरेंस कर्व पर रहता है। अभी आपने देखा ना कि सेम ही इंडिफरेंस कर्व पर वो बना रहा, जब वो सेम ही इंडिफरेंस कर्व पर जो बना रहा तो इसका मतलब क्या होगा, जब सेम ही इंडिफरेंस कर्व पर है तो उसकी यूटिलिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसलिए इसके ये एक तो ये पूछते हैं कि हिक्स का जो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उसमें वो क्या करता है, उसका इंडिफरेंस कर्व चेंज होता है, तो आप बताओगे नहीं वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहता है तो उसकी यूटिलिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये ध्यान रखोगे आप। उसके बाद आप देख लिया कि प्राइस ऑफ एक्स गुड्स यदि डिक्रीज होती है तो डिमांड ऑफ एक्स गुड इंक्रीज होगी, किसमें, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में। अब उसके बाद हम देखते हैं स्लुट्स्की का, स्लुट्स्की जो कहता है वो क्या कहता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को लेकर। देखिए स्लुट्स्की का जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है इसी ने क्या किया था, प्राइस इफेक्ट को क्वेश्चन पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट को दो पार्ट में तोड़ा था। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो किस तरीके का है, तो इसका भी डायग्राम एक बार आपको बनाना पड़ेगा। ये आपकी पी क्यू जो है बजट लाइन है इनिशियल स्टार्टिंग में, यदि एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो ये क्या होगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पी क्यू से पी क्यू वन पर आप आ जाओगे, ठीक। अब यहाँ पर भी वही बात है कि जितनी भी इनकम बढ़ी है उसको वापस ले लो। अब पहले था वो आर पॉइंट पर, आर पॉइंट पर मान लेते कि यहाँ पर किसी एस पॉइंट पर वो पहुँच जाता है, लेकिन इनकम वापस लेने से इसके ठीक पैरेलल शिफ्ट कर जाएगी, ये हो जाएगी आपकी पी क्यू से पी वन क्यू वन, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो कि पी वन क्यू वन, इस तरीके से क्यू वन। तो ये जो लाइन आ गई, अब देखिए क्या डिफरेंस है, वो तो यहाँ से नहीं कट कर रहा था ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो था एक्स का वो कहाँ से, यहाँ से कट करके गई थी। इसके यहाँ से कट करने का क्या मतलब कि पहले उसका इंडिफरेंस करो ये था, अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण से उसका इंडिफरेंस करो, इस इंडिफरेंस करो से ऊंचे वाले पर आप इंडिफरेंस करो पर चले जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेलेस्टी है उसके अंदर क्या है कि उसका जो इंडिफरेंस करो वो चेंज हो जाता है और हायर इंडिफरेंस करो पर चला जाता है, किस पर, हायर ऊंचे वाले इंडिफरेंस करो पर। जो ऊंचे वाले इंडिफरेंस करो पर आप जाते हो तो आपकी यूटिलिटी का लेवल बढ़ जाएगा।
दूसरी बात क्या है कि जो सेलेस्ट की उन्होंने कॉस्ट डिफरेंस मेथड का यूज किया, कॉस्ट डिफरेंस मेथड, ये ध्यान रखिए, एक एक बात ध्यान रखने की है। तो ये आपने देख लिया। तो जब आप प्राइस घटने से जहाँ पर जाते हो प्राइस इफेक्ट होता है, और दूसरा प्राइस डिक्रीज हुए उसके बाद क्या हुआ, आपसे इनकम वापस ले, इनकम लेने से जो भी जहाँ पर जाओगे वो इनकम इफेक्ट होगा, और जो कुछ सस्ती होने के कारण से उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हो तो वो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा। ये आप क्लियर ध्यान रखिएगा। तो आपने हिक्स का और सेलेस्टकी का भी देख लिया कि क्या डिफरेंस, आपने प्राइस कंजम्पशन कर्व देख लिया, आपने इनकम कंजम्पशन कर्व देख लिया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। अब उसके बाद अगर आप अब ये चीज़ भी आपने देख ली है कि नॉर्मल गुड्स की जब आप बात करते हो, नॉर्मल गुड्स में, और फिर मैं बता रही हूँ कि फॉरेन ऑथर में कुछ चीज़ें अलग हैं, तो यहाँ पर लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता नेट में वो यही पूछा जाता कि इनकम इफेक्ट आपका पॉजिटिव होता है और प्राइस इफेक्ट आपका नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद देखिए इन्फीरियर जो गुड्स होती है, इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जो आपका नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो ग्रेटर देन होता है इनकम इफेक्ट से। उसके बाद जब आप बात करते हो गिफिन गुड्स की, तो गिफिन गुड्स में क्या होगा, जो गिफिन गुड्स होती है वहाँ पर क्या होगा, इनकम इफेक्ट आपका ग्रेटर देन होगा नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। अब उसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इंडिफरेंस करो में ही है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हम यहाँ पर क्या बात करें कि जो इनकम, इसकी जो अप्लीकेशन है किसकी इंडिफरेंस करोगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके एप्लीकेशन से आप क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके का होगा। आपने ये देखा होगा कि जो लेबर का सप्लाई कराओ क्या बैकवर्ड बैंड है, बैकवर्ड बैंड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर जो होता है ना वो इन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है इनकम इफेक्ट से। जब ये इस तरीके से खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है इनकम इफेक्ट के बराबर है। उसके बाद देखिए जब ये बैकवर्ड बेंड करता है तो इसका मतलब होता है इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये आपको क्या शो करता है, ये आपको ये बताता है स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ज़्यादा होने का मतलब जब हमारी सैलरी कम होती है तो उस टाइम पर अगर हमारी इनकम या वेज बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं और आराम कम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसको, आराम की जगह काम को। लेकिन यहाँ पर जाकर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट एक तरीके से क्या हो जाता है, इक्वल। उसके बाद देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, काम के बजाय आराम करना पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पर इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन होता सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से। उसके बाद हम बात करते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, इम्पोर्टेंट है ये भी ध्यान रखिएगा, द रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। जो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है ये किसने दी है, सैमुएलसन ने, ठीक है, सैमुएलसन ने इसको दिया है। रिवील्ड का मतलब होता देखना, ये जो थ्योरी है ना, फर्स्ट ये कि मार्केट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, मार्केट ऑब्जर्वेशन, कि मार्केट को ऑब्जर्व करके काम किया जाता है। दूसरी बात है यहाँ पर जो एक तरीके से जो आपने पढ़ा था ना नॉर्मल गुड्स जो मार्शल वाली थी, यहाँ पर नॉर्मल गुड्स की बात की जाती है, ठीक है, इन्फीरियर गिफिन गुड्स की ये बात नहीं करते, नॉर्मल गुड्स की बात करते तो इसका मतलब क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी यहाँ पर पॉजिटिव होगी और प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ पर नेगेटिव होगी। इनकम बढ़ेगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, यदि प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड घटेगी, इसका ये मतलब है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्केट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। दूसरी बात क्या है, इसके बाद आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के ऊपर बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का मतलब होता है, जैसे आपने इंडिफरेंस करो में पढ़ा कि आप चाहे ए पॉइंट लो, चाहे बी लो, चाहे सी लो, किसी को भी चूज कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि मान लेते हैं कि कोई भी ये एक बजट लाइन है
और या इसके ऊपर यदि आपने कोई एक ये पॉइंट चूज कर लिया, ये कोई भी मतलब ए ले लेते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अगर आपने इनमें से कोई भी अगर एक पॉइंट ले लिया, तो उसके बाद मान लेते कि ए पॉइंट आपने चूज कर लिया, तो उसके बाद चाहे आपका बी पॉइंट इसी बजट लाइन पर है, लेकिन ये सारे के सारे आपके लिए क्या होंगे, इनफीरियर होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वो क्या कहलाएंगे, इनफीरियर कहलाएंगे। तो रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी जो हो वो किसके ऊपर बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड है। उसके बाद आप देख लिया कि रिबिल्ड का मतलब होता देखना, और मार्केट ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, और ये किससे को फॉलो करती है, एक तरीके से जो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने क्या पढ़ा था, मार्शल का, यानी कि जो नॉर्मल गुड्स वाला केस है, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट अंडर द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, इसके इसके अंदर कुछ ज़्यादा करने का नहीं है, यहाँ पर जो कंज्यूमर के जो टेस्ट होते हैं वो गिवन होते हैं, इनकम भी गिवन होती है, प्राइस दोनों कमोडिटी यानी कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो भी गिवन है, प्राइस जो है एक्स और वाई के वो भी गिवन है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड है, इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है, नेगेटिव होती है, और इनकम इंक्रीज होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी। तो ये ध्यान रखना है, यही पूछते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बेस्ड है या वीक ऑर्डर बेस्ड है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। असल तो यहाँ तक अभी तक आपने जितना भी किया है कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं है कि जो कि इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। अभी आपने डिमांड तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब है, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, किसके बारे में बताते थे, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में। ये क्वालिटेटिव कंसेप्ट है, ठीक है, क्वालिटेटिव। उसके बाद जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये बताती है कि परसेंटेज प्राइस में चेंज होने से, यानी कि कितना किसी चीज़ में चेंज आने से, प्राइस में, इनकम में, उसमें चेंज आने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक तरीके से सिंपल लिख देते हैं कि प्राइस में चेंज होने से चेंज इन परसेंटेज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि परसेंटेज जो प्राइस में चेंज हुआ जितना, और उससे जितना क्वांटिटी में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका मतलब क्या, आप प्रॉपर ये बता पा रहे हो कि कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितने परसेंट चेंज आएगा, ठीक है। ये क्या दिखाता आपका, प्रॉपर दिखाता, लॉ ऑफ डिमांड क्या दिखाता, सिर्फ एक डायरेक्शन को ही बता पाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, पी अपॉन में क्यू, जो क्यू ये चेंज इन क्यू है, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा क्यू वन, यानी कि नया क्वांटिटी पुरानी क्वांटिटी डिवाइड बाय पुरानी क्वांटिटी। उसी प्रकार से अगर चेंज इन प्राइस को करोगे, ये नई प्राइस, ये इनिशियल प्राइस, और ये भी आपके यानी कि पुरानी या इनिशियल प्राइस। अब उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद इसको अगर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इस ऊपर वाले को चेंज इन क्यू लिख दोगे, ये क्यू रह जाएगा, इसको चेंज इन पी लिख दोगे, इसको पी हो जाएगा। और जब आप इसको लिख देते हो ढंग से, तो चेंज इन क्यू डिवाइड इन की चेंज वाले एक साइड रख दोगे और बिना चेंज वाले एक साइड रख दोगे, इस तरीके से आप इसको निकाल दोगे। माइनस का साइन आता है, इसलिए आता है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा संबंध है, नेगेटिव रिलेशन है। तो ये होती है आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो आपकी क्या हुई, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इनटू में पी अपॉन में क्यू, ये इलास्टिसिटी होती है। अगर यहाँ से हम स्लोप निकाले तो स्लोप होगा हमारा चेंज वन डिवाइड बाय चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी, या फिर ऐसे लिख सकते हो चेंज इन पी डिवाइड बाय चेंज इन क्यू को तो हम स्लोप बोलते, और ये हमारी इलास्टिसिटी होती है। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, डिग्री जो होती है, अब देखिए जो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी, डिग्री पांच डिग्री है इसकी। एक तो जो इलास्टिसिटी होती है
जो लोच होती है वो इक्वल टू वन होती है, ग्रेटर देन वन होती है, लेस देन वन होती है, जीरो होती है, और ये आपकी इन्फिनिटी होती है। इक्वल टू वन का मतलब होता है कि जितना प्राइस में चेंज आए उतना ही क्वांटिटी में चेंज आए, कि इक्वल जो चेंज आए, तो वो इलास्टिसिटी डिमांड होती है इक्वल टू वन। दूसरा देखा आपने कि इलास्टिसिटी ऑफ ग्रेटर देन, इसका मतलब होता कि प्राइस में कम चेंज आए, मान लीजिए कि प्राइस थोड़ा सा चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ, लेकिन डिमांड जो है बहुत ज़्यादा से चेंज हो जाए, बहुत ज़्यादा से, तो वो होती है ग्रेटर देन वन, कि प्राइस आपके ये इतने हैं, इससे इतने ही चेंज हुए, लेकिन डिमांड आपकी इतनी ज़्यादा चेंज, तो ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब होता है कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आए, लेकिन जो डिमांड है ना वो बहुत ही कम से बढ़े या घटे, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइस है, ये आपके इतना चेंज आया लेकिन डिमांड में इतना, तो ये होती है आपकी लेस देन वन। जीरो का मतलब क्या होता है, वर्टिकल होती है, कि प्राइस कितना बढ़े घटे लेकिन डिमांड के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, आवश्यकता की जो वस्तु होती है उनके केस में ऐसा होता है। उसके बाद देखिए इन्फिनिटी की जब बात करते हैं, तो ये इलास्टिसिटी, ये क्वेश्चन पूछा गया कि इलास्टिसिटी क्या होगी अगर इन्फिनिटी कब होगी, जब आपका जो डिमांड का हो किसके ओ एक्स के पैरलर हो जाएगा। इसका मतलब कि प्राइस में अगर थोड़ा सा चेंज आता है, डिक्रीज हो या फिर इंक्रीज हो, तो डिमांड जो हो बहुत ज़्यादा से चेंज हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड रुकिए, देखिए जब इस तरीके की होती है ना, कर्व इस तरीके का होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक या पूर्णतया बेलोचदार। जब ये इस तरीके की होती है इसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक, ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद हम कुछ डायग्राम में यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगी, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब हम देख लेते हैं, अगर आपने यहाँ पर इलास्टिसिटी मेजर करनी है, ये कोई पी पॉइंट है, तो इसके निकालने के लिए क्या करोगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर, इस अपर सेगमेंट, ये कोई पी है, यहाँ पर एम है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एच है, और आपने पी पॉइंट पर निकालनी है, ठीक है, यहाँ पर S लिख लेते हैं यहाँ पर आप। तो अगर आपने P पॉइंट या M M पर देख लेते हैं, M पर आपने निकाले, M पर, तो लोअर क्या है, ये वाला हिस्सा एम एस, तो एम एस डिवाइड बाय क्या होगा एम आर, ऊपर ऊपर वाला, इनके अपर एम आर या आर एम जो भी लिखोगे। अब देख नीचे वाला छोटा है यानी कि स्मॉल है, इन चीज़ों को ऐसे निकालते हैं, और नीचे वाला क्या है लार्ज है, इनकी ये जो नीचे लिखा गया वो तो एक इतना बड़ा पोर्शन है, और जो यहाँ पर था ये ऊपर लिखा गया छोटा पोर्शन है, तो ऊपर छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिसिटी स्मॉल है ना ऊपर, तो यहाँ पर भी स्मॉल ही निकल कर आएगी इलास्टिसिटी, तो ये लेस देन वन होती है नीचे, और ऊपर क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है। इसलिए जब आप पढ़ते हो ना इस तरीके का, कि जो आपका एक तरीके से जो डिमांड करा होता है, तो वहाँ पर जो इलास्टिसिटी होती है, यहाँ पर अगर आप बात करते हो ई पॉइंट पर, ये कोई ई पॉइंट है, तो वो क्या होती है ग्रेटर इन्फिनिटी होती है, ये कोई एच पॉइंट है, यहाँ पर क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है, इसके मिड पॉइंट पर ये क्या होती है इक्वल टू वन होती है, इससे नीचे आओगे तो ये क्या हो जाएगी लेस देन, यहाँ पर आओगे तो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, तो इसीलिए होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आर्क मेथड की, ठीक है ना, ये पॉइंट मेथड था, आप इसको पॉइंट मेथड बोलोगे, ठीक है, ये पॉइंट मेथड था। इसके बाद हम बात करते हैं आर्क मेथड की, आर्क मेथड का क्या मतलब होता है, सिर्फ एक ये आपका एक तरीके से डिमांड करता है, ये ए पॉइंट है, कोई ये बी पॉइंट है, ये सी बी, तो यहाँ से अगर आप एक चाप लगा तो इसको बोलते हैं आर्क मेथड। इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो जो इसका फॉर्मूला है चाप विधि इसको बोलते हैं,
चाप विधि, इसका जो फॉर्मूला वो है कि चेंज इन क्यू डिवाइड बाई क्यू वन प्लस क्यू टू, और उसका क्या करोगे हाफ एन के वन बटे टू। ये रहा, ये जो आपने देखा कि इन दोनों के पॉइंट के बीच में जो ये चाप लगाई, यानी कि क्वांटिटी ये क्वांटिटी प्लस ये क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको क्या करोगे, इसकी जो पावर हो जाएगी वन बाय टू हो जाएगी चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए अगर आप इसको दूसरा, एक सेकेंड, इसको एक बार थोड़ा सा ढंग से लिख लेती हूँ। जो आर्क मेथड है आपका, उसमें क्या करोगे चेंज इन क्यू डिवाइड बाय क्यू वन प्लस क्यू टू वन बाय टू इन टू में चेंज इन पी, सॉरी पी वन प्लस पी टू, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको पहले यहीं लिख के दिखा देती आपको। जैसे सिंपल वाला था ना ऐसे ही, पी वन प्लस पी टू इसकी पावर वन बाय टू, पहले वाले क्वांटिटी के साथ इसका प्राइस, दूसरे वाले क्वांटिटी के साथ और इसका आधा, ठीक है ना, इन दोनों का। इसको अगर आप ओपन करके लिखते हो तो किस तरीके से लिखोगे, कुछ इस तरीके से लिखोगे ना इसको। ये नीचे वाला कहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा पी वन प्लस पी टू चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा आपका एक तरीके से पी वन चेंज इन पी, और इसको साफ सुथरे तरीके से अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा चेंज इन क्यू डिवाइड बाई चेंज इन पी, और इनटू में पी वन प्लस पी टू, ये हाफ है इसका भी हाफ है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और क्यू वन प्लस क्यू टू, ये क्वेश्चन पूछा गया। और आपको ये याद रखना कि ऊपर प्राइस जाएंगे और नीचे क्वांटिटी क्यू वन क्यू टू, ये कभी कभी तो ये माइनस लगा देता, कभी प्लस लगा देता, कभी कुछ लगा देता, तो ये ध्यान रखोगे आप। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या रेवेन्यू मेथड, एक ही नाम के नाम है तीनों का, एक ही मतलब है। चाहे आप टोटल आउटले मेथड बोलो, या फिर आप इसको टोटल एक्सपेंडिचर या खर्च विधि बोलो, या फिर रेवेन्यू आई मेथड बोलो, तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। आउटले का मतलब यही है, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए जब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू मेथड की, कुल आय विधि की, तो कुल आय किस तरीके से आप निकालते हो, कुल आय कुल एक्सपेंडिचर के बराबर ही होती है, कुल खर्चे के बराबर। जैसे टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, आप अपनी साइड से देखोगे कि आपने किसी कमोडिटी के इतनी कीमत रखी और इतनी क्वांटिटी आपने बेची, तो दोनों को मिलाकर देखोगे मेरी इतनी आय हुई। खर्चा भी इसी प्रकार से निकालते हो कि मैंने इतनी कीमत पर कोई वस्तु खरीदी और इतनी क्वांटिटी खरीदी, तो ये खर्चा हो गया, तो इसलिए आय और व्यय दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ये मेथड है ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्राइस है और ये आपका क्वांटिटी है, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। देखते चलिए, जब प्राइस हम ले लेते हैं, मान लिया जाए कि 9 है, 8 है, एक तक ले आते हैं, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पर 2 परचेज कर रहे हैं हम, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुछ इस तरीके से। अब खर्चा आपने निकालना है, खर्चा निकालने के लिए आप क्या करोगे, खर्चा जब आप निकालोगे तो 9 पी इंटू में क्यों करना है, यानी कि ये इतने प्राइस हो रही है क्वांटिटी है, तो 9 × 18, ठीक है ना, और 8 × 24, 28, 30, 30 और 28, 24, 18, 10। अब देखिए जो पहले वाला आपको बता रहा है 9-7 तक वाला, यहाँ तक आप देखिए, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर आपका इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। देखिए 9, 8, 7 घट रहे ना, तो 18, 24, 28 ही घट बढ़ रहा, तो इसका मतलब इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है। दूसरा देखिए, अगर आप इस केस में देखोगे प्राइस डिक्रीज
या इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी आपकी इक्वल टू वन है, यही पूछता है। ये देखिए ये एरो का ध्यान रखिए कि खर्चा घटे ना प्राइस घटे खर्चा बढ़े तो ग्रेटर देन वन होगी, यदि ये घटने बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट होता तो ये लेस देन वन सॉरी इक्वल टू वन होगी। दूसरा देखिए जब कीमतें घटे और खर्चा भी घटे और कीमतें बढ़े और खर्चा भी बढ़े, जब दोनों एरो एक साइड जाए तो उस टाइम पर होती है लेस देन वन। देखिए कैसे, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए 4/28 यानी कि जैसे जैसे कीमतें घटी वैसे वैसे खर्चा भी 28 से 24 व 18 व 10 घट रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अब भी आपकी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है वीडियो। अब उसके बाद आपने देख लिया कि जब इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये भी डिक्रीज एक साथ एरो जाएंगे। ग्रेटर देन वन होती है तो प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज या ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज अपोजिट साइड में। अगर ये इक्वल टू वन होती है तो प्राइस इंक्रीज या फिर डिक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे जो यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए मैं डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पर, ये कोई एक बजट लाइन है NM और एक ही दूसरी है NS इस तरीके से, और यहाँ से एक लाइन ली गई है ये भी। सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा कि किसके ऊपर इलास्टिसिटी ज़्यादा है और किसके ऊपर इलास्टिसिटी कम है। इस पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी बताइए और इस पॉइंट पर कोई भी मान लेते कि यहाँ पर ये टी पॉइंट है और ये कोई हम वी पॉइंट ले लेते हैं। देखिए अगर इस तरीके से हो कि ये बजट लाइन का स्लोप देखो अलग अलग है ना, और यहाँ से लाइन ले जाए तो इसका मतलब होता है दोनों ही चाहे टी पॉइंट है चाहे वी पॉइंट है दोनों पर जो इलास्टिसिटी है वो सेम रहेगी। ये ध्यान रखिए वो कैसे रहेगी, क्योंकि वी एस डिवाइड बाई वी एन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि लोअर डिवाइड बाई अपर, लोअर क्या है वी एस और यहाँ पर क्या है टी एम, टी एम डिवाइड बाई टी एन, ये और ये दोनों का जो इंशदाल है वो सेम है, ठीक है ना, ये इन एक जैसा है। तो यहाँ पर इनका स्लोप अलग अलग है, स्लोप देखिए इसका ज़्यादा स्लोप है इसका कम है, ये फ्लैट है और ये स्टीफ है, लेकिन जो इलास्टिसिटी है वो दोनों पर क्या है सेम है। उसके बाद आप देखिए अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कुछ इस तरीके से कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है, तो वो करें कि यहाँ पर ये टी एस है और ये एम एन है। अब के पॉइंट आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर कोई के पॉइंट है ये के पॉइंट है, तो अगर आप इस साइड आओगे इस साइड, तो इस साइड अगर आप आते हो इलास्टिसिटी ऑफ इसके ऊपर लेस देन वन होगी, ठीक है, और ये इसको किस तरीके से निकालोगे, इसको इस तरीके से निकालना आपने वही सेम कि अगर आप के पर है, के पर क्या होगा, के पॉइंट पर अगर आपने मेजर करना है, एक सेकंड रुकिए, के पर यदि आपने मेजर करना है तो के पर मेजर करने के लिए क्या करोगे, एक बार तो इसके साथ जाओगे एक बार इसके साथ, के एन डिवाइड बाय के एन डिवाइड बाय के एम, ठीक है। दूसरा देखो एक बार इस लाइन के साथ जाओगे के एस डिवाइड बाय टी के, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि के एस क्या है बड़ा है, के एस क्या है आपका जो सॉरी जो के एस है, के एस की अगर हम बात करें इसकी पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है नीचे वाला छोटा है और ऊपर वाला बड़ा, तो इसलिए इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे टी एस के साथ जाते हो तो यहाँ पर इलास्टिसिटी आपकी क्या हो जाएगी लेस देन वन हो जाएगी। दूसरा देखो अगर आप के एन के साथ जाते ये बड़ा है ये हिस्सा बड़ा
और ये छोटा, बड़े वाला कहाँ पर ऊपर है, तो इसलिए इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन वन हो जाएगी। इस तरीके से आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। और ये क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया होगा कोई भी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, जिसको आड़ी लोच के नाम से आप जानते हो, क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको हिंदी में बोलते आड़ी लोच। अब देखिए ये आड़ी लोच क्या है क्या नहीं है, इसको एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता देती हूँ। ये अभी आपने डिटर्मिनेशन ऑफ, जब आपने डिमांड फंक्शन पढ़ा था तो कुछ ऐसे पढ़ा था कि ये रिलेटिव गुड्स है, ये एक्स वस्तु है, ये रिलेटिव गुड्स है, ये आपकी एक तरीके से इनकम है, ठीक है। अगर आपने इस वस्तु, इस एक्स का डी एक्स के साथ देखा तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगी। इसको देखो कि ये प्राइस किसी, अगर इसका और इसका रिलेशन देखते, डिमांड किसी वस्तु की और प्राइस किसी और की, इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर एक वस्तु के इनकम की बात करते हो तो इसको बोलते हैं एंजल कर्व। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब देखते हैं इसको, ये प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, क्या कर रहे हो आप, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। ये प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी है, ये क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी है। देखो प्राइस किसी और के, क्वांटिटी किसी और के, क्रॉस होगा ना, तो इसलिए इसको आड़ी लोच के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, इसका जो फॉर्मूला है वो है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स और परसेंटेज जो चेंज इन रिलेटिव कमोडिटी, इनकी वाई कमोडिटी के चेंज इन वाई, किसी दूसरी वस्तु की कीमत में चेंज होने से, जो एक्स वस्तु की, वाई वस्तु की कीमत में चेंज होने से, एक्स वस्तु की कीमत में जो एक तरीके से जो प्रभाव पड़ेगा, तो इसको अगर ओपन करते हो तो क्या फॉर्मूला निकल कर आता, वही आता कि चेंज इन क्यू एक्स डिवाइड बाई चेंज इन, सिर्फ वहाँ पर पी एक्स लिख देते, वहाँ पर ये लिख दोगे पी वाई डिवाइड बाई क्यू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स होती है, ठीक है ना, वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। अच्छे सब्स्टिट्यूट्स जितने ज़्यादा होंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जितनी घटिया या जिनको आप सब्स्टिट्यूट ना कर पाए, उतनी ही क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। जितना प्रतिस्थापन किया जा सकेगा वहाँ पर ये हाई होगी, और जहाँ पर नहीं किया जा सकेगा वहाँ पर ये लो हो जाएगी, और जहाँ पर बिल्कुल नहीं किया जा सकेगा वहाँ पर जीरो। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होती हैं, जैसे कार, पेट्रोल, जैसे कार की बात करो, पेट्रोल की बात करो, ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री। यदि कार है आपके पास तो पेट्रोल चाहिए। अब आप ये मत बोलना कि अभी तो हम चार्जिंग वाले ले लेंगे, ठीक है ना, अब फिर चार्जिंग मशीन चाहिएगी आपको, ठीक है ना, अगर पेट्रोल की नहीं है। पेन है तो इंक चाहिए आपको, तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक के साथ आपको दूसरी चाहिए। इसमें आप देखिए नेगेटिव होती है क्रॉस इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या, यदि पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड घटेगी, ठीक है ना, अगर पेट्रोल के प्राइस घटेंगे तो कार की डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए कैसी होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगी क्रॉस इलास्टिसिटी। दूसरा है कि यदि सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी में क्या है कि अगर एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर एक की कीमत बढ़ती है तो एक्स वस्तु के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड वाई वस्तु की बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जो वस्तु एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जैसे आप बात करो बुक की और फिर साथ में वीट के इनकी गेहूँ की बात करो, तो नॉट रिलेटेड, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगी। इसलिए जब परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, वहाँ पर हाई होती है। उसके बाद यदि आप देखोगे मोनोपोली में क्या होती है, बिल्कुल कम होती है।
अब देखिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आय की लोच जो है, इनकम की जो लोच है उसके बारे में हम बात करेंगे। इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, ग्रेटर देन वन हो सकती है और लेस देन वन हो सकती है। अब यहाँ पर आप देखिए, इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी पॉइंट्स, उनको आप अच्छे से देखिएगा। जो नॉर्मल गुड्स होती है, नॉर्मल गुड्स की हम बात करें, वहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी होती है, ठीक है ना, जो जहाँ पर नॉर्मल गुड्स होती हैं वहाँ पर जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो होती है लेस देन वन। और जब हम बात करते हैं इन्फीरियर गुड्स की, वहाँ पर ये होती है इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव। लग्जरी गुड्स के केस में, यानी कि जो लग्जरी, जो बहुत महंगी वस्तु होती है, उनके केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो होती है ग्रेटर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। और जो आवश्यकता की वस्तु होती है, नेसेसरी जिसको आप बोलते हो, उनके केस में जीरो से ज़्यादा होती है और एक से कम होती है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। तो लग्जरी गुड्स के केस में क्या होती है, ग्रेटर देन वन होती है। और कंफर्ट में, जो अगर आप कंफर्ट लिखोगे वहाँ पर होती है ये इक्वल टू वन। तो ये बातें आप को ध्यान रखनी है। उसी प्रकार से अब आगे हम बात करने वाले हैं द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, अब देखिए इसको कई तरीके से, पहले हम मार्शल की बात कर लेते हैं। मार्शल की एक बुक है जो 1895 में आई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू मार्शल क्या होता है? इसका मतलब होता है जितना आप देना चाहते हो और जितना आप वास्तव में देते हो, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। अभी इसको मैं थ्योरेटिकल बताऊंगी, मैथमेटिकल बताऊंगी, सारा बताऊंगी मैं आपको, जिससे आपका मैथमेटिकल भी सोल्व हो जाएगा। हम बात करते हैं कंज्यूमर सरप्लस अकॉर्डिंग टू मार्शल। मार्शल, क्योंकि हिक्सा भी करना ना, इसलिए बार बार मैं मार्शल का नाम ले रही हूँ। तो ये मार्शल, ये डिमांड करो, ये प्राइज दिए हुए हैं, देख रहे हो ना आप यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होता है कि जितना हम देना चाहते हैं और वास्तव में जितना हम देते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा आप कि जितना हम देना चाहते हैं, किसी कोई भी वस्तु खरीदने के लिए ओ ए, लेकिन हम देते हैं ओ पी, तो ओ ए माइनस ओ पी, यानी कि ओ ए में से अगर आप माइनस ओ पी करोगे तो इस पूरे में से, यानी कि ओ ए में से अगर ओ पी आप माइनस करते हो तो आपके पास ये एरिया बच जाएगा, ये वाला, तो ये कहलाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इतना सिंपल पूछा नहीं जाता। अब देखिए, यहाँ पर होती है प्राइस और यहाँ पर होती है क्वांटिटी, यानी कि जिसको आप मात्रा भी बोलते हो। तो इन दो के बीच के रिलेशन, इन दोनों के रिलेशन के साथ मार्शल क्या दिखाता, अपना कंज्यूमर सरप्लस दिखाता। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर आप क्वांटिटी लोगे और यहाँ पर आप प्राइस लोगे। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है कि अबव द प्राइस लाइन बिलो द डिमांड करो को भी क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। अबव द प्राइस लाइन, अबव द प्राइस लाइन और माइनस में बिलो द डिमांड करो। अब कैसे, देखो प्राइस लाइन से ऊपर का हिस्सा ये प्राइस लाइन है ना, ये रही, देखिए
ये जो प्राइस लाइन है इससे ऊपर का हिस्सा और डिमांड कर्व से नीचे का हिस्सा, इसको हम बोलते कंज्यूमर सरप्लस। तो मैंने सही बोला। एक इसका फॉर्मूला क्या है? एक इसका फॉर्मूला ये है, इसका जो फॉर्मूला है दूसरा जो है वो ये है। वो क्या है कि कंज्यूमर सरप्लस को निकालने के लिए टोटल यूटिलिटी में से अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी माइनस कर दें तो भी कंज्यूमर सरप्लस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए, अब मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ इसका मैथमेटिकल फॉर्म कि जो कंज्यूमर सरप्लस होता है ये है इंटीग्रेशन, यानी कि जीरो से क्यू तक की क्वांटिटी। यहाँ पर हम लिखते हैं डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं पी इंटू में क्यू। इस तरीके से अगर हम इसको निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे, ठीक है ना? कंज्यूमर सरप्लस निकल कर आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब इस लाइन को हम हटा देंगे तो मान लिया जाए कि यहाँ पर एक्स की 3 थी, एक्स की 2 थी, ठीक है ना? तो जब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगी एक्स की 3 और डिवाइड बाय भी आप 3 करोगे, ठीक है ना? तो और पी यानी कि प्राइस इंटू में क्यों। अब इस फॉर्मूले के साथ आप इस डायग्राम को देखिए, क्या कहना चाह रही हूँ। मैंने आपको बताया कि ये आपका कंज्यूमर पर सरप्लस यानी कि प्राइस लाइन से ऊपर का हिस्सा और डिमांड कर्व से नीचे का हिस्सा, एक तो ये बात है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जितना आप देना चाहते हो कितना देना चाहते हो, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम अभी मैंने ए लिया था, ओ ए के बराबर देना चाहते हैं और ओ पी वास्तव में देते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या कंज्यूमर सरप्लस। मैंने बताया कि टोटल यूटिलिटी में से अगर मार्जिनल यूटिलिटी माइनस करते तो वो भी क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। अब उसके बाद देखिए डिमांड फंक्शन क्या है, ये पूरा डिमांड फंक्शन ना ये वाला, तो ये डिमांड फंक्शन इधर आप रखोगे, फिर पी ये प्राइस लिए जा रहे हैं कितनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी। यदि हम इस पूरे डिमांड फंक्शन में से इस प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और इस पूरे में से इस हिस्से को माइनस कर दें तो तब भी क्या बचेगा? यही तो हिस्सा बचेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? डिमांड फंक्शन। जो है डिमांड फंक्शन में से यदि पी इंटू में क्यू कर दोगे तो आपका क्या कहलाएगा? डिमांड सॉरी कंज्यूमर सरप्लस। अब उसके बाद देखिए जो कंज्यूमर सरप्लस है, सबसे पहले इसके बारे में बताया था ड्यूपिट ने, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस के बारे में किसने बताया? ड्यूपिट ने, ठीक है, 1844 में। फिर इसके बारे में मार्शल ने बताया, मार्शल ने बताया 1895 में, किसके अंदर? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो बुक थी। अब बात करते हिक्स का जो कंज्यूमर सरप्लस है, हिक्स का जो कंज्यूमर सरप्लस है यहाँ पर देखिए मार्शल के अंदर क्या था कि मार्शल के अंदर एक तो सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, दूसरी बात है ये ध्यान रखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहते हैं। हिक्स इंडिफरेंस कर्व का यूज करता, इसलिए उसके जो कंज्यूमर सरप्लस है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी मनी को वो चेंज मानता है। अब डिफरेंस ये है, जब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर तो प्राइस की बात करते, यहाँ पर क्वांटिटी की बात करते, लेकिन हिक्स के में क्या है, यहाँ पर हम इनकम की बात करते हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं। ये डिफरेंस है दोनों में कि यहाँ पर इनकम की बात करते हैं और यहाँ पर किस चीज़ की बात करते हैं? क्वांटिटी की बात करते हैं। जब हम इसका जो इनडिफरेंस जो इससे के थ्रू अगर हम निकालते हैं, किसके थ्रू? जो हिक्स है, तो इसके थ्रू निकालेंगे तो जो कंज्यूमर सरप्लस निकल कर आएगा वो इस तरीके से आएगा। मान लेते कि कोई ये एम एन लाइन है, एम एन, एक सेकेंड, इसके अंदर ये होता है, मान लेते कि यहाँ पर कुछ एक लाइन ले लेती हूँ, मैं सिंपल ही समझा देती हूँ, यहाँ ज़्यादा पजल नहीं करती। तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर जैसे कंज्यूमर सरप्लस, यहाँ पर आपने ये देखा था ना कि ये ऊपर वाला हिस्सा जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ये होता है कि ये कोई लाइन है, ठीक है ना, कोई बजट लाइन है, और ये इसका इंडिफरेंस करो यहाँ पर टच करता है, ठीक, ये आई टू है, इंडिफरेंस करो आई टू हम ले लेते हैं। दूसरा यहाँ पर देखिए कि ये एक इंडिफरेंस करो है, ये इंडिफरेंस करो, और ये इसका एक टेंजेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसका टेंजेंट है। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ से हम एक लाइन लेंगे,
अब इसके अंदर जो कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे वो इस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर बी ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं डी, जहाँ पर ये लाइन इसको कट करती है। अब एक सेकंड के लिए देखिए, इसके अंदर ये है कि जो कंज्यूमर है मनी, देखिए यहाँ पर मनी है ना, इनकम है, वो देना चाहता है कितना, डी एम के बराबर, डी एम, लेकिन वास्तव में देता है बी एम। तो डी एम में से अगर बी एम माइनस करोगे तो ये वाला एरिया बचेगा ना, तो ये अकॉर्डिंग टू हिक्स ये उसका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है मार्शल और हिक्स की, वहाँ से आप इसको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर की हुई है वहाँ से उसको देख सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के। प्रोडक्शन फंक्शन जिसने इंडिफरेंस करवाता है वो प्रोडक्शन फंक्शन आराम से कर लेगा। देखिए जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसके अंदर हम आइसो क्वांट, आइसो कोस्ट अप्रोच की बात करेंगे, आइसो क्वांट की बात करेंगे। जैसे वहाँ पर इंडिफरेंस करव था, इसका स्लोप देखेंगे, क्या आइसो क्वांट होता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे वहाँ पर बजट लाइन के बारे में बात की थी, वैसे यहाँ पर आइसो कोस्ट के बारे में, यानी कि कोस्ट जो लाइन होगी उसके बारे में। इसका स्लोप भी हमें निकालना पड़ेगा, इसका स्लोप भी निकालना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम वहीं पर होगा जहाँ पर इनका स्लोप, दोनों इन दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर होगा। इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी के बारे में बताता है, दो गुड्स की कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है। जो आइसो क्वांट है वो क्या बताता है, वो दो फैक्टर के यानी कि लेबर और कैपिटल के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट निकल कर आएगा उसके बारे में बताता है। यानी कि यहाँ पर लेबर ले लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल ले लेते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो उसके बारे में, ये चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, इसके ऊपर जो आउटपुट रहेगा, इसके ऊपर जो आउटपुट रहेगा सेम रहेगा। जैसे वहाँ पर यूटिलिटी सेम रहती थी ना, तो यहाँ पर आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है ना। तो चाहे लेबर का ये कॉम्बिनेशन लो आप, इतनी लेबर और इतना कैपिटल, चाहे आप इतना लेबर और इतना कैपिटल लो, लेकिन जो आउटपुट रहेगा वो सेम रहेगा आपका, ठीक है। लेबर को यहाँ पर वेज दिए जाते हैं, कैपिटल को क्या दिए जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। लेबर का जब हम आइसो क्वांट निकालते हैं तो उसके वेज कॉन्स्टेंट मान लिए जाते हैं, कैपिटल के ऊपर दिया जाने वाला जो ब्याज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसको भी यहाँ पर कॉन्स्टेंट मान लिया जाता है। जैसे वहाँ पर आपने एमआरएस के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पर मार्जिनल रेट यानी कि जो सीमांत प्रतिस्थापन, रेट का क्या मतलब होता है, दर, वहाँ पर क्या था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर क्या है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, किसके अंदर, लेबर और कैपिटल में। मार्जिनल क्या होते हैं सीमांत, रेट क्या होती है दर होती है, टेक्निक क्या होते हैं तकनीक क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन क्या होती है प्रतिस्थापित होते हैं, ठीक है ना। सीमांत प्रति जो एक तरीके से तकनीकी जो प्रतिस्थापन की जो दर है। अब वहाँ पर क्या था कि चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स आया था, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो स्लोप निकल कर आएगा वो आएगा चेंज इन के डिवाइड बाई चेंज इन एल। यदि हम एल को इंक्रीज करते हैं तो वाई एक्स को हमें कितना, लेबर को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके बदले में एक्स को हम कितना, सॉरी कैपिटल को हम कितना छोड़ेंगे, इसके बारे में बात करता है। जैसे वहाँ पर टोटल यूटिलिटी की बात की गई थी, टोटल यूटिलिटीज़ का इक्वेशन से आपने फिर आगे इसका स्लोप निकाला था, बजट लाइन का स्लोप, वैसे ही यहाँ पर हम निकालेंगे एम आर टी एस एल के, यानी कि ये किस तरीके से निकल कर आया है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए जो आपने देख लिया कि हमने फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल, एल को इंक्रीज करने के लिए एक्स को, सॉरी कैपिटल को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, इस बात के बारे में हम जानेंगे। अगर हम लेबर बढ़ाते हैं तो किस रेट से हमें कैपिटल को छोड़ना पड़ेगा, तो ये ले लेते हैं इक्वेशन। टोटल प्रोडक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू में इतना लेबर लगाया हमने प्लस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और इतना कैपिटल लगाया, ये उसका उत्पादन है कैपिटल का, ये लेबर का उत्पादन है, और इतना लेबर का यूज करें इतना कैपिटल का। आपने देखा कि जैसे आइस इन डिफरेंस कर्व पर क्या था, टोटल यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती थी, वैसे ही आइसो क्वांट पर जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितना था, जैसे 100 मान लिया तो 100 ही है, इसलिए इसको हम जीरो कर देते हैं, यहाँ पर इस साइड जीरो रख देंगे, तो ये साइड ऐसी ही इक्वेशन लिखी रहेगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो ये चेंज इन के वाला हिस्सा है, जैसे वहाँ पर वाई वाला था इस साइड ले आए थे ना, तो इसको इस साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल
इंटू में के, इस साइड प्लस में ही रहेगा, मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंटू में एल, ठीक है लेबर। अब क्या करेंगे, चेंज इन, अब सॉरी यहाँ पर एक चीज़ रहेगी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, जो चेंज इन टीपी यानी कि जब जो चेंज इन टीपी है तो यहाँ पर क्या करोगे, ये तो मार्जिनली है, इसमें चेंज नहीं, तो लेबर में चेंज होगा, उसके बाद मार्जिन प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, यानी कि इसमें चेंज नहीं दिखा सकते, इसमें ही चेंज होगा। उसके बाद देखिए आप इसको इस साइड ले आओ कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इंटू में चेंज इन के, इधर रह जाएगा, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन इसके ऊपर चेंज नहीं होता, चेंज इन एल। और अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये माइनस का है कि माइनस चेंज इन के डिवाइड बाय चेंज इन एल, उस साइड रह जाएगा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एल के पेपर में पूछ लेते के एल कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, जब के इधर आ जाएगा ना तो ये के ऊपर चला जाएगा, एल नीचे, इसकी इक्वेशन में पूछ सकते हैं आपको इस तरीके से, ये इसका स्लोप निकल कर आ गया, या अगर वो इसका एक तरीके से देकर आपको भाई आपको इसकी वैल्यू दे दिया, कुछ भी दे दिया वो इस तरीके से निकालने के लिए, तो आपको ये निकालना आना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आइसो कोस्ट लाइन की, क्योंकि इन दोनों का इक्विलिब्रियम के लिए हमें आइसो कोस्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। आइसो कोस्ट लाइन, देखिए आइसो कोस्ट जो लाइन है ये इस तरीके की होगी, आइसो कोस्ट लाइन, ठीक है ना, जैसे बजट लाइन थी। ये कोस्ट लाइन क्या दिखाती है, यानी कि जो भी लेबर का और कैपिटल का यूज किया जाएगा उसकी जो कोस्ट आएगी, ये देखिए टोटल कोस्ट जो होती है दो चीज़ों से मिलकर बनती है, लेबर है उसको दिया जाने वाला वेज, इसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ लेबर, ठीक है। दूसरा देखिए ये कैपिटल है, ये इसको दिया जाने वाला इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको बोलते प्राइस ऑफ लेबर, सॉरी प्राइस ऑफ कैपिटल। अब हम बात करते हैं कि टीसी से में से यदि हम टोटल कॉस्ट में से ये डब्ल्यू इंटू में इनकी जो प्राइस ऑफ लेबर है और इंटू में लेबर, इतना लेबर लगा इतना उसको दिया तो इसका खर्चा निकल गया ना, ये कैपिटल के ऊपर होने वाला खर्चा है, तो वो करेंगे माइनस कर देते हैं इसको, तो ये इस साइड ये बच जाएगा। उसके बाद देखिए टीसी क्या करेंगे, आर इसके नीचे आ जाएगा, डब्ल्यू बाई आर आ जाएगा और इंटू में एल रहेगा और इधर के रहेगा, तो ये तो है सारे आउटर, ये वाला ये होता स्लोप, तो ये जो आइसो कोस्ट लाइन है उसका स्लोप है, ये ध्यान रखिएगा, आपको निकालना आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू को लिख सकते हो प्राइस ऑफ लेबर और आर को लिख सकते हो प्राइस ऑफ कैपिटल, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। और इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जो एक भी प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता है कहाँ पर होता है, ये इसकी आइसो कोस्ट लाइन है, ये उसका आइसो क्वांट है, ठीक है ना, सेम ऐसे ही, जहाँ पर आइसो कोस्ट लाइन और आइसो क्वांट, जो आइसो क्वांट है उसका स्लोप इक्वल होगा, तो जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिज लाइन की, रिज लाइन जो होती है, रिज लाइन, देखिए ये ओ ए है और ये ओ बी है, जो ओ ए और ओ बी है, यानी कि ये ओ ए है और ये ओ बी है, ये क्या है, रिज लाइन, यहाँ पर हम लेबर लेते हैं, यहाँ पर हम कैपिटल लेते हैं, तो ये कहलाएंगे रिज लाइन। क्वेश्चन एक तो ये नहीं पूछा जाता है कि ये रिज लाइन कौन सी, इससे अगर हम इन दोनों के बीच में उत्पादन करते हैं एक एरिया जिसको हम इकोनॉमिक, सबसे अच्छा इकोनॉमिक रीजन जो होता है ना, इकोनॉमिक रीजन जो है ना, इसको बोलते हैं इनके बीच के एरिया को इकोनॉमिक रीजन, तो ये सबसे बेस्ट है कि हम इसके अंदर ही रहकर उत्पादन करें तो जो प्रोड्यूसर होता है उसको बेनिफिट होगा। ए एंड बी से बाहर जाते हैं तो फैक्टर ज़्यादा यूज करेंगे लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि इसको हम इकोनॉमिक रीजन बोलते हैं और यही सबसे बेस्ट है कि हम इन्हीं के अंदर रहकर क्या करें, उत्पादन करें। अब मैं बताती हूँ, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता कि इसको क्या बोलते हैं। दूसरा देखिए जी रिज लाइन होती है,
अभी आपने देख लिया कि ये रिज लाइन है ए और ये बी ओ बी। अब अच्छा क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये देखिए ये आइसोक्वांट आपके, ये आपको दिखाता 100 का उत्पादन, ये मान लेते कि 200 का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपको 300 का। इसका जो ये नाम दे देते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। अब देखिए जो ए बी सी है ना, ए बी सी यहाँ पर लेबर लेते हैं, यहाँ पर कैपिटल लेते हैं, इनके ऊपर जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है, जो टोटल प्रोडक्शन है ना, जो टोटल प्रोडक्शन किसका कैपिटल का, वो मैक्सिमम है। और आप सभी जानते हो जहाँ पर मैक्सिमम होता है वहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार से डी ई एफ जो है, डी ई एफ यहाँ पर जो टोटल प्रोडक्शन है लेबर का, इन पॉइंट पर, इन पॉइंट पर वो क्या मैक्सिमम हो चुका है, मैक्सिमम। इसलिए इन्हीं पॉइंट पर ये क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या होगा, जीरो होगा, क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगर हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट से अगर हम लेबर को ज़्यादा, यहाँ पर ये इतना हम कैपिटल का यूज करते हैं और इतना लेबर का, अगर हम यहाँ पर लेबर को बढ़ा दें तो लेबर एल से एल वन होगी, क्या फ़ायदा हुआ, फिर भी उतना उत्पादन हुआ, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इस प्रकार से सारे पॉइंट्स पर आप देखोगे तो फैक्टर का ज़्यादा यूज करोगे लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए एक तो ये ध्यान रखना है कि इन पॉइंट पर प्रोडक्टिविटी ऑफ, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल क्या, जीरो। यहाँ पर लेबर की प्रोडक्टिविटी मार्जिनल वो क्या है, जीरो है। और इकोनॉमिक रीजन क्या है, अगर इसके अंदर, ही अगर हम उत्पादन करें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपेंशन पाथ की, जिसको हम बोलते हैं, इसको स्केल लाइन के नाम से भी जानते हैं, स्केल लाइन एक्सपेंशन पाथ को, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्तार पथ, ये विस्तार पथ है। अब इसको कैसे निकालते हैं विस्तार पथ को, अभी बताऊंगी इसके बारे में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये आपकी आइसो कोस्ट लाइन है, ये ए बी, ये आपका आइसो क्वांट है, और ये कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, एल ले लिया, ये एल है। और अगर ये कोस्ट लाइन ऊपर शिफ्ट कर जाती है, स्लोप देखिए सेम रहेगा, इक्वल है, ये ए वन से बी वन हो जाती है तो हम एल से के ऊपर चले जाते हैं, और आपका इस तो क्वांटिटी हो जाएगा आई से आई के वन, एल से के ऊपर आप चले। अगर इन पॉइंट्स को हम मिला दें तो ये जो ओ पी है ये आपका कहलाएगा एक्सपेंशन पाथ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका एक्सपेंशन पाथ कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि जो आपका कोस्ट लाइन है उसका स्लोप, और जो आपका इस क्वांट का स्लोप जो है एम आर टी एस और जो डब्ल्यू वाई आर है, अगर वो एक दूसरे के बराबर हैं तो ये, अगर इन इन पॉइंट को, इनके जो इक्विलिब्रियम पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन पाथ, जिसको स्केल लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देखा था ना कि आपने इसका स्लोप क्या था, कोस्ट लाइन का डब्ल्यू वाई आर या प्राइज ऑफ लेबर आप जिसको बोलते हैं, और प्राइज ऑफ कैपिटल इक्वल टू चेंज इन के, ठीक है, यानी कि चेंज इन जो के था कैपिटल और चेंज इन एल, कि लेबर को अगर बढ़ाते हो तो कैपिटल को आप कितना घटाओगे। अब उसके बाद देखिए आप यहाँ पर इसको किस किस नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो इस तरीके का जो ये डायग्राम है एक्सपेंशन पाथ जिसको हमने बोला, इसके जो पॉइंट है ना इसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो प्रोड्यूसर है ना वो इससे कम कॉस्ट कर ही नहीं सकता, एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिया उसने लेबर का और कैपिटल का कि वो इससे कम कॉस्ट कर नहीं पाएगा।
एक्सपेंशन पाथ के ऊपर क्या होता है कि जो फैक्टर के प्राइस होते हैं, जो लेबर और कैपिटल के जो प्राइस होते हैं, वो रहते हैं स्थिर, यानी कि गिवन रहते हैं, दिए हुए रहते हैं। उसके बाद टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ से जब लेबर और कैपिटल को आप बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर तो चेंज होगा, लेकिन जिस रेट से आपको लेबर मिल रही थी, जिस रेट से आपको कैपिटल मिल रही थी, वो उसी रेट पर आपको मिलती रहेंगी। ये आप ध्यान रखोगे सभी स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इस तरीके से कि अगर हमारा इस क्वांट है एल इस तरीके का, तो इसका मतलब देखिए दो चीज़ों को दिखा रहा है। यहाँ पर ये बिल्कुल खड़ा हुआ है तो इसका मतलब स्लोप है इन्फिनिटी, और ये बिल्कुल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कोई स्लोप है ही नहीं, तो यहाँ पर है स्लोप जीरो। यहाँ पर लेबर लेते हैं हम और यहाँ पर हम कैपिटल लेते हैं। यदि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो दोनों फैक्टर को एक साथ बढ़ाना पड़ेगा, जितने से लेबर को बढ़ाओगे उतने से ही कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है ना। ये इसको बताते हैं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है ना, प्रोपोर्शन दोनों का। तो यहाँ पर जब ये एल शेप का होता है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेबर और कैपिटल में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं किया जा सकता, नो सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल, जो कि आप पढ़ते हुए एक तरीके से जो लियोनटिफ ने बताया है, लियोनटिफ हाँ वो लेबर और कैपिटल के सब्स्टिट्यूशन को लेकर नहीं चलता है, ठीक है ना। और ये आपने हैरेडोमर मॉडल में भी आपने पढ़ा होगा, इसलिए वो इसी अजम्पशन को लेकर चलते हैं। उसके बाद देखिए यदि आपका आइसोक्वांट है ऐसा, ये पीछे जैसे MRS के बारे में पढ़ा था वैसे ही, ये कनकेव है, तो वो कह रहे कि MRTS लेबर एंड कैपिटल जो है, जो सीमांत प्रतिस्थापन यानी कि जो तकनीकी प्रतिस्थापन की जो दर है वो कैसी होगी, बढ़ती हुई होगी, ठीक है ना, ये इस तरीके की होगी। और अगर ऐसा है कॉन्वेक्स है तो ये घटती हुई होगी, ये ध्यान को आपको रखना है। यदि क्या है, यदि ये इस तरीके का है तो ये कॉन्स्टेंट होगी या फिर इक्वल टू 1 होगी, ठीक है, ये ध्यान रखोगे आप। उसके बाद आप देखिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में हम बात करते हैं, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, या फिर इसको हम बोलते घटते बढ़ते अनुपात का नियम, घटते बढ़ते अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, यानी कि अल्पकाल की, ये ध्यान रखिए आप, शॉर्ट रन की। इसका क्या मतलब है उसके बारे में हम देखेंगे, अभी डायग्राम हम इसका बनाते हैं कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है। देखिए ये डायग्राम है इसका, ये टोटल प्रोडक्शन है, इसका मार्जिनल प्रोडक्शन हम दिखाएंगे जहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद देखिए ये मार्जिनल प्रोडक्शन। टीपी का और एमपी का क्या संबंध है, पहली बात तो ये शॉर्ट रन में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, एक समय तक जो है उत्पादन आपका इंक्रीज करेगा एट ए इंक्रीजिंग रेट, उसके बाद डिक्रीज करेगा आपका, बढ़े तो का लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, उस देखो पहले इंक्रीज कर रहा है ये इंक्रीजिंग रेट से, जब ये इस तरीके का है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये लेबर है और ये कैपिटल है और ये आउटपुट है और ये उसका आउटपुट है और ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है ना, ये टोटल प्रोडक्शन है, एक सेकेंड, ये लेबर है, ये कैपिटल है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। अगर हम इसकी बात करें आगे अगर हम बात करें तो मान लेते कि लेबर तो क्या है शॉर्ट रन में वेरिएबल होता है, कैपिटल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको क्या बताता है कि फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज करते तो क्या क्या संबंध निकल कर आएगा। ये ले लेते हैं कि 4 तक हम लेबर को लगाते हैं, 2, 3, 4, लेकिन कैपिटल आपकी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी, तो कॉन्स्टेंट फैक्टर होगा ये वेरिएबल। आउटपुट देखिए पहले आपका 5 आया एक लेबर से और एक कैपिटल से, फिर आपका 12 आया, फिर आपका 11 आया, फिर आपका 11 आया,
मार्जिनल प्रोडक्शन पहले 7 आया 5 आया, फिर 7 आया, और फिर कितना आया, 0 आया, और फिर -1 आया। एक सेकेंड रुकिए, अगर इस टेबल में कोई मिस्टेक हो ना तो आप इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। मेरा सिर्फ ये है क्योंकि हो सकता है कि जब हम कुछ चीज़ों को बनाएं तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट गलत नहीं होगा, बस ये मिल गारंटी है, ठीक है ना। कंसेप्ट जो है आपका वो एक्यूरेट रहेगा। यहाँ पर मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जैसे जैसे आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है ना, जो टीपी है वो इंक्रीज करता है। इंक्रीजिंग का क्या मतलब होता है, जब हमारा टोटल प्रोडक्शन 5 डबल से ज़्यादा हो गया, ठीक, तो उसका इस समय तक क्या है, इस समय तक इसका मतलब ये है कि अगर हम 2 लेबर का किसी भी इसमें जो कैपिटल उसके साथ यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर रिक्वायरमेंट है 2 की, 2 से ज़्यादा अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसका 3 से भी ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट हमारा घट जाएगा, ठीक है ना। उसकी जो मार्जिन प्रोडक्टिविटी है, पहले क्या होगी, पहले जब इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट इस पॉइंट तक, तो ये क्या करेगा आपका, क्या करेगा, एक तरीके से जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे कि जब ये इंक्रीज करता है एट ए डिक्रीजिंग रेट, ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा, ठीक है, जहाँ से करो अपनी शेप चेंज करता, यहाँ पर जाकर टीपी मैक्सिमम हो जाएगा, जहाँ पर एमपी जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद जब टीपी डिक्रीज करेगा तो एमपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, 5 से 7 हुआ तो पहले कम होगा फिर, तो इसका मतलब क्या है, इसका रिलेशन कैसे आप बताओगे, ऐसे बताओगे कि जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट तो आपका एमपी क्या होता है, वो भी इंक्रीज करेगा। तो एमपी इंक्रीज, क्योंकि इंक्रीज कर रहा है ना, मार्जिन प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज। उसके बाद देखोगे कि जब टीपी डिक्रीज जो टीपी है हमारा इंक्रीज करता है एट ए डिमिनिशिंग रेट, इनकी घटती दर से, तो इसका मतलब क्या है हमारा, देखिए ये क्या है, बड़ा इसके बाद वो करेंगे जब उत्पादन हमारा कैसा हो, इंक्रीज तो हो लेकिन घटती दर से हो, तो करेंगे उसके बाद क्या होगा, जो आपका एमपी, ये छोटी टेबल है, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ऐसा है कि एक सेकेंड रुके मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, टेबल बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर है ये कैपिटल, ये लेबर है, ये टोटल प्रोडक्शन है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन है। थोड़ा सा इस टेबल को दोबारा बना लेते हैं। अब देखिए ये एक 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 इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको इस तरीके से हम बनाते हैं। उसके बाद देखिए जो टीपी है आपका स्टार्टिंग में 2 है, फिर 5 है, फिर आपका 9 है, 12 है, 12 के बाद आपका 14 है, उसके बाद 15 है, 15 है, और उसके बाद है 14, इस तरीके से। मार्जिन प्रोडक्शन इसका डिफरेंस होगा, ऊपर डिफरेंस कुछ नहीं है तो 2 ही रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर आपका 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा। ये अब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, 2 डायग्राम आपने बनाए हैं। अब जो आपका टीपी मैंने बताया कि इंक्रीज कर रहा था इस तरीके से, जब ये मैक्सिमम हो गया था तो वहाँ पर आपका जो एमपी है वो क्या हो गया था, 0। तो देखिए जब इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, तो ये इंक्रीज कहाँ से कर रहा है, 2 से डबल से ज़्यादा हुआ, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ तक अगर आप इसको देखोगे ना, कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, एट ए इंक्रीजिंग रेट 4 तक, इस तक, ठीक है, 2 4 ऐसे होना था, 2 4 6 8 10, लेकिन ये कैसे रहा, 2 से 5, फिर 9 फिर 12, तो ये आपका ये वाला चीज दिखा रहा है कि इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट। इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है जब डबल से जाता हो। उसके बाद आप देखोगे इसको 4 से लेकर 1 तक, यानी कि ये जो हो जाएगा यहाँ से लेकर, अगर आप इसको देख रहे हो, जो यहाँ से वो करें, एक सेकेंड, ओह माय गॉड, दोबारा फिर बनानी पड़ेगी।
चलिए एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो बची हुई वीडियो है वो आपकी कल कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके हैं और हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है, उसके बाद क्या होता है कुछ ना कुछ मिस्टेक होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर छोड़ रही हूँ, थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम वहाँ पर मैंने ये चार ले दिया था, यहाँ तक नहीं, देखो ये टेबल यहाँ पर ऐसे है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ तक ये बता रहा है कि आपका आउटपुट जो है ना वो इंक्रीज कर रहा है एट ए इंक्रीजिंग रेट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता कि जितने हम साधन लगाते हैं उससे ज़्यादा आउटपुट निकल कर आता है, ये मतलब है। तो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इंक्रीज करेगा एट ए डिक्रीजिंग रेट, उसका मतलब क्या होगा कि जो फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज कर रहे थे उनका दोनों का जो कॉम्बिनेशन था अब गड़बड़ाना शुरू हो गया। उसके बाद यहाँ तक अगर हम 6 लेबर तक यूज करते हैं इस फिक्स फैक्टर के साथ तो हमारा आउटपुट बढ़े तो होगा लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद आप कितने फैक्टर यूज करते रहो आउटपुट नहीं बढ़ेगा, उस पॉइंट पर आपका क्या होगा, जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद यदि आप और ज़्यादा फैक्टर लगाओगे तो टोटल प्रोडक्शन आपका घटेगा, जिससे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स इस एरिया में, इससे पहले ये आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स को दिखाता है, ये आपके दिखाता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स को, ये आपके डिक्रीजिंग रिटर्न्स को दिखाता है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ये डिक्रीजिंग, और ये वाला एरिया जो है ये आपके नेगेटिव रिटर्न्स को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखोगे कि जो, और हमेशा जो उत्पादक होता है वो सेकेंड स्टेज में ही उत्पादन करता है, ये आपका करता है यहाँ तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स और नेगेटिव। अब ऐसा क्यों करता है इसको समझिए, देखिए कहाँ तक एक प्रोड्यूसर उत्पादन करेगा, ये होता हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन और ये होता है हमारा एवरेज प्रोडक्शन। जहाँ पर हमारा एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पर क्या मैक्सिमम है, मार्जिनल प्रोडक्शन इससे क्या हो जाएगा, पहले मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहाँ पर AP इक्वल टू MP होगा वहीं तक जो है ये सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है ना, यहाँ तक वो उत्पादन करेगा। और ये सेकेंड स्टेज जो आती है वो बीच में आती है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाली जगह पर ही ये AP और MP एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो यहाँ तक वो क्या करेगा, उत्पादन करेगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जब हम बात करते हैं रिटर्न टू स्केल की, ये तक क्या था, शॉर्ट रन में जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसको हम बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर, जिसके अंदर एक फैक्टर को क्या मानते हैं, हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, और एक फैक्टर को क्या मानते हैं, वेरिएबल मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं द लॉज ऑफ रिटर्न टू स्केल, यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं, दीर्घकाल की। इसके अंदर जो भी फैक्टर होते हैं बहुत फैक्टर्स चेंज होते हैं, यानी कि सारे के सारे जो फैक्टर होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, लेबर एंड कैपिटल दोनों ही वेरिएबल होंगे यानी कि चेंज होंगे। इसके अंदर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल। स्केल लगा हुआ ना, तो इसका मतलब लॉन्ग रन की बात करें। जब हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की, इसका मतलब होता है ये आइसो क्वांट है, यहाँ पर 50 का उत्पादन किया जा रहा है, सेकंड वाले पर 100, यानी कि जब डबल से ज़्यादा हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा। डिक्रीजिंग का मतलब होगा डबल से कम, यानी कि यहाँ पर 50 है फिर 90 हो जाएगा, बढ़ा तो लेकिन घटते दर से डिक्रीजिंग होगा। उसके बाद होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है ये 50 है, 50 से सिर्फ आप 100 पर चले गए, यानी कि डबल हो गया। रिटर्न टू फैक्टर अल्पकाल में होते हैं, जहाँ पर लेबर वेरिएबल होती है और कैपिटल को क्या मान लेते हैं, हम फिक्स मान लेते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर, इतना ही करते हैं इसको, कल मैं आपको बाकी बचा हुआ जो कोब डगलस है, प्रोडक्शन फंक्शन है, CES है या फिर मार्केट है, वो कल करवाऊँगी मैं आपको। तो ये यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।